गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. विजिबल है स्क्रीन? यस मैम. ओके, सब लोग आ गए? शुरू करें लेक्चर? यस मैम. ओके, आज का टॉपिक है आइसोलेशन एंड कल्चर ऑफ एल्गी. ठीक है, तो व्हाट आर एल्गी? एल्गी क्या है? आप लोग ने एमएससी प्रीवियस में अच्छे से पढ़ा होगा. तो एक सरसरी निगाह में अगर हम एल्गी को देखें तो किस तरह के वो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन कंट्रास्ट टू फंजाई. जैसा कि अभी हम लोग चार लेक्चर्स में देख चुके हैं फंजाई के बारे में, उनका आइसोलेशन और कल्चर हमने देखा. तो उसी के आगे हमको लगभग कुछ एक टेक्निक्स उसी तरह से है कि किस तरह से फंजाई को आइसोलेट करते हैं. तो फंजाई के कंट्रास्ट में एल्गी किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन हो जाए. तो एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग नॉन वास्कुलर एक्वेटिक प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल डायटम्स, ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी इंक्लूडिंग द प्रिमिटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. फॉर एग्जाम्पल ब्रोगिन एल्गी. तो एल्गी मोटे मोटे तौर पर तीन तरह की एल्गी बताई गई है, ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइटा, रेड एल्गी रोडोफाइटा और फियोफाइटा ब्राउन एल्गी. तीन तरह की मेन क्लासिफिकेशन में तीन तरह की एल्गी आप देखते हैं. क्लोरोफिल बियरिंग है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है, नॉन वास्कुलर है. 90% एल्गी आपकी एक्वेटिक है और ये हाँ डायटर्म्स होंगे इसमें, डायनोफ्लैजेलेट्स होंगे, ग्रीन एल्गी रेड एल्गी है ना. और प्रिमिटिव फोटोसिंथेटिक एल्गी जो है उनको हम साइनोफाइसी भी कहते हैं, मिक्सोफाइसी भी कहते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी बुलाते हैं. तो इस तरह की एल्गी होती हैं. फिश ने 1935 में एल्गी को 11 क्लासेस में क्लासिफाई किया था और इस क्लासिफिकेशन को उन्होंने अपने बुक स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी नाम की दो वॉल्यूम की बुक थी उसमें पब्लिश किया था. तो इंट्रोडक्शन में देखिए तो एल्गी दो ग्रुप को बिलोंग कर सकती है. पहला है जैसा विटाकर का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, उन्होंने जो पांच किंगडम दिए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इस तरह ना. तो जो एल्गी थे, जो ब्लू ग्रेन एल्गी है वो मोनेरा में आते हैं. मोनेरा माने यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स का जो ग्रुप था उसको मोनेरा में रखा गया था और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा में रखा गया था. तो एल्गी दोनों ग्रुप को बिलोंग करेगी. ब्लू ग्रीन एल्गी मोनेरा में चले गए और यूकैरिया में प्रोटिस्टा में आ जाएंगे आपके यूकैरियोटिक एल्गी. तो माइक्रोस्कोपिक भी है, मैक्रोस्कोपिक भी है. माइक्रोस्कोपिक बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के, जैसे आप देखते हैं माइक्रोसिस्टिक, नॉस्ट्रो, कैनाबिना, उसमें यूनिसेलुलर फॉर्म भी है, फिलामेंटस फॉर्म भी है. मैक्रोस्कोपिक में आपके चले जाइए तो आप रोडोफाइसी, फियोफाइसी के मैरीन एल्गी आपको मिलेंगी माइक्रोस्कोपिक. कारा आप क्लोरोफाइसी के मेंबर में पढ़ते हैं. तो माइक्रोस्कोपिक इंडिविजुअल्स भी है, मैक्रोस्कोपिक इंडिविजुअल्स भी हैं. मैक्रोस्कोपिक आप फियोफाइसी के मेंबर्स में देखिए, मैक्रोसिस्टिस पायरीफेरा वो कितना है, करीब 60 meters लंबी एल्गी वो होती है और मैरीन एल्गी है. तो इस तरह से माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स भी हैं और मैक्रोस्कोपिक फॉर्म्स भी हैं एल्गी के. अबाउट 20,000 आइडेंटिफाइड स्पीशीज एल्गी की हैं और मेनली सॉयल एंड वाटर में एल्गी ज्यादातर पाई जाती हैं. तो एल्गी इज अ वास्ट क्लस्टर ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक फोटो ऑटोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद एक्सट्रीमली डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. मॉर्फोलॉजी में हम देख सकते हैं किस तरह की होती है, यूनिसेलुलर फॉर्म से. स्लाइड नहीं दिख रही है किसी? नो मैम, फर्स्ट स्लाइड ही शो हो रही है आपका नाम बस. yes, ये ma'am. तो
मैंने तो बहुत तीन चार ये स्लाइड्स आगे आगे, क्या दिक्कत है? जब देखो पहली स्लाइड दिख रही है। फोर को स्टॉप कर दे। नहीं इधर तो सही दिख रहा है बेटा, इधर तो दिख रहा है। अब क्या मैम हुआ? दिख रही है, अब आप दिख दिखाई रही दे है। रही है जी। स्टार्टिंग से शुरू करो। अब देख रही बेटा, यस देखना मैम, अब देख यस रही। मैम, हाँ यस ठीक, यस मैम। ओके ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं। जाने दो उसको, इंट्रोडक्टरी था, यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, अब दिख रहे ना बेटा? यस आप? मैम, यस मैम। हाँ ठीक है। एल्गी इज अ वास्ट क्लस्टर ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक फोटो ऑटोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद एक्सट्रीमली डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी माने कि यूनिसेलुलर फॉर्म से मल्टी सेलुलर फॉर्म, कॉलोनियल फॉर्म, फिर फिलामेंटस फॉर्म, फिलामेंटस में भी ब्रांच फिलामेंटस, फिर हेटरोट्राइकस हैबिट, मतलब इस तरह की मॉर्फोलॉजी है। बहुत बड़ी बड़ी एल्गी आपको मैरीन वाटर में मिल जाएगी। फिर फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन भी उसमें बहुत है। फिजियोलॉजी के लिए मेन एक्सपेरिमेंट्स अगर होते हैं तो एल्गी में ही होते हैं, ड्यू टू उनके फिजियोलॉजिकली वेरिएशन उनमें देखा जा सकता है। बायोकेमिस्ट्री में भी वो डिफरेंट है। तो माइक्रो एल्गी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दे जनरेट अबाउट 50% ऑफ द ऑक्सीजन एंड कंट्रीब्यूट टू नियरली 30% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन द एटमोसफेयर। दे हैव एप्लीकेशंस इन न्यूट्रास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, बायोफ्यूल प्रोडक्शन एंड बायोरिमेडिएशंस। हम जानते हैं डिफरेंट फील्ड्स में न्यूट्रास्यूटिकल्स के फॉर्म में भी कई एक एल्गी को यूज किया जाता है। कई मेडिसिन बनाई जाती है कॉस्मेटिक्स में, बायोफ्यूल प्रोडक्शन और बायोरिमेडिएशन। आप पढ़ते होंगे कि किस तरह से एल्गी को रिमेडिएशन सॉयल पॉल्यूशन के लिए, सॉयल या वाटर पॉल्यूशन के लिए भी रिमेडिएशन के रूप में एल्गल फॉर्म को यूज किया जाता है। फाउंड वर्ल्ड वाइड इन प्रैक्टिकली एवरी टाइप ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग माउंटेन, स्नो फील्ड्स, हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट सॉयल्स। एक्सट्रीमली डाइवर्स इन मॉर्फोलॉजी एंड साइज रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेल्स अबाउट 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर अप टू कंप्लीट सी वीड्स मैनी मीटर्स लॉन्ग। लेमिनेरिया है, सार्गेसम है, मैक्रोसिस्टिस है, फ्यूकस है, जो ये फियोफाइसी और रेडोफाइसी के मेंबर्स हैं। बहुत बड़ी बड़ी एल्गी जो है वो मैरीन वाटर में पाई जाती है। मैरीन वाटर में बड़ी एल्गी का पाया जाना इसलिए है क्योंकि मैरीन में वाटर में वाटर हमेशा रनिंग रहता है, रिप्लेसमेंट होता रहता है, नीचे का वाटर ऊपर आता है, तो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन जो है वो हमेशा मेंटेन रहता है। इसीलिए बड़ी बड़ी एल्गी जो है वो मैरीन वाटर में ज्यादा पाई जाती हैं। प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, प्लस फ्रेश वाटर से मैरीन वाटर डेंसिटी उसकी ज्यादा होती है, तो वो एल्गी सबमर्ज नहीं कर पाती है, उस पर अच्छे से फ्लो कर पाती है। तो इस वजह से मैरीन एल्गी ज्यादा लंबी बड़ी फॉर्म में पाई जाती है। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि उनको किस तरह आइसोलेट करना है। तो फर्स्ट यूनि एल्गल कल्चर वेयर अचीव्ड बाय बेजरिंक इन 1890 विद क्लोरेला वल्गैरिस। ओनली 10% ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 24,000 रिकॉग्नाइज्ड स्पीशीज हैव बीन मेंटेन्ड इन कल्चर कलेक्शंस। जितनी भी एल्गी नोन है उसका केवल 10% को ही हम कल्चर में ग्रो कर पाए हैं, क्योंकि इनका कल्चर करना काफी मुश्किल होता है। फोटो ऑटोट्रॉफ्स है, उनमें लाइट का बहुत ध्यान देना पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन, टेम्परेचर, तो एल्गी को मेंटेन करना इन कंपेरिजन टू फंजाई थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हैबिटेट्स में देखिए, पॉन्ड वाटर देख रहे हैं, वेस्ट वाटर देख रहे हैं। एल्गी आर फाउंड इन अ वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। अ गुड जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द हैबिटेट्स इज गिवन बाय राउंड इन 1981। इन मोस्ट केसेस द स्पीशीज कंपोजिशन इन ईच हैबिटेट इज क्वाइट यूनिक, सो इट इज एडवाइजेबल टू आइसोलेट माइक्रो एल्गी फ्रॉम एज मैनी एज पॉसिबल टू एनहांस द चांस ऑफ फाइंडिंग स्पीशीज विद यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ देखिए डिफरेंट हैबिटेट एल्गी की क्या है, ये इसलिए बता रहे हैं कि अगर एल्गी को आइसोलेट करना है तो आप इस हैबिटेट पे जा करके उनका कलेक्शन कर सकते हैं। तो जैसे
एरियल और टेरेस्ट्रियल एल्गी। तो सॉइल में कुछ एक एग्जाम जैसे क्लोरेला आपको मिल जाएगा, ओडोगोनियम मिल जाएगा, एपिफिटिक एल्गी प्रोटोकोकस है ना, फिर एक्वेटिक में फ्रेश वाटर एल्गी, स्टिल वाटर एंड रनिंग वाटर। रनिंग वाटर में जाएंगे तो हो सकता है क्लैडोफोरा ज्यादा आपको मिले, कारा तो आप अच्छे से पहचानते होंगे, रिवोलेरिया है, मैराइन एल्गी के लेमिनेरिया, सार्गेसम एक्सेट्रा। एंड अनयूजुअल हैबिटेट में थर्मोफाइट्स है, हायर टेम्परेचर पर जो मिलेंगे उसमें एंड नोड्यूलेरिया, ऑसिलेटोरिया एक्सेट्रा। क्रायोफाइट्स, क्रायोफाइट्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी होते हैं, बायफ्लैजेलेटेड होते हैं, तो ये जिसमें है प्रोटोडर्मा है, रैपिडोडेना एक्सेट्रा। हेलोफाइट्स जो सेलाइन वाटर में या सेलाइन सॉइल में मिलेंगे वो हो गए। फिर लिथोफाइट्स या बेंथिक, बेंथिक माने के सॉइल्स वाटर बॉडीज के सेडिमेंट्स में, सॉइल सेडिमेंट्स में मिलते हैं, तो उसमें डायटम्स है, ग्लियोकैप्सा है ना, सिम्बायोट्स के फॉर्म में एनाबीना और क्लैडोफोरा मिलेंगे। बहुत सारे एल्गी हम लोग को फाइटोप्लैंक्टन के फॉर्म में आपको मिलते हैं, जिसमें डोमिनेटिंग होते हैं डायटम्स एंड डायनोफ्लैजेलेट्स। डायटम्स और डायनोफ्लैजेलेट्स बोलने में थोड़ा लगता है कि दोनों काफी सिमिलर है, लेकिन देयर इज डिफरेंस बिटवीन डायटम्स एंड डायनोफ्लैजेलेट्स। डायटम्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका है ना, डायटमिशियस अर्थ के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो सिलिका रिच होती है, जबकि डायनोफ्लैजेलेट्स के सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है और डायनोफ्लैजेलेट्स न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंसेस सेक्रेट करते हैं और ऑक्सीजन कंपैरेटिवली ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स। तो फाइटोप्लैंक्टन्स में अगर आप देखेंगे तो आपको ये डायटम्स और डायनोफ्लैजेलेट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, इस तरह के एल्गी आपको मिल जाएंगी। रॉक सरफेस पर देखिए और फ्रेश वाटर के सरफेस पर, एल्गी आर प्रोबेबली बेस्ट नोन एज द डोमिनेंट प्लांट्स इन द मोस्ट एक्वेटिक हैबिटेट्स, बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर। व्हाइल वन जनरली थिंक्स ऑफ एल्गी एज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, कभी भी एल्गी की बात होती है तो ऐसा लगता है कि नहीं बस एल्गी वाटर में ही ग्रो करती है। मैनी आर इन फैक्ट अडेप्टेड टू लिविंग इन ड्राई टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स इंक्लूडिंग सॉइल, द सर्फेस ऑफ द रॉक्स इवन इन द डेजर्ट सैंड। मोस्ट सॉइल टाइप्स कंटेन रिच कम्युनिटीज ऑफ एल्गल स्पीशीज। हर तरह के एटमॉस्फेयर में, हर तरह के हैबिटेट्स पर एल्गी ग्रो कर सकती है। साइज के हिसाब से अगर हम एल्गी को देखें तो दे आर माइक्रो एल्गी, मतलब जो कि माइक्रोस्कोप से जिसको आप ऑब्जर्व कर पाएंगे वो एल्गी है माइक्रो एल्गी। जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये आपने एमएससी में अगर सैंपल कलेक्ट करते होंगे तो खुद भी आइडेंटिफाई कर पाते होंगे कि इन जो सिंपल से एल्गी का जो नाम आ रहा है किस तरह के माइक्रोस्कोप के अंदर दिखते होंगे। फिर मैक्रो एल्गी अच्छे से जानते हैं आप, कारा पढ़ते हैं ना, कारा का हमेशा इसलिए पढ़ा जाता है कि उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसे ग्लोब्यूल है, न्यूक्यूल है, उसको स्टडी की जाती है। इसी तरह से सार्गेसम और पोरफाइरा जो है ये मैरीन एल्गी है, तो ये मैक्रो एल्गी में आएंगी, मैक्रो एल्गी में भी आपका कारा भी आएगा। देन हम ये सब चीज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको आज देखना है कि हाउ टू आइसोलेट एल्गी। तो आइसोलेशन इज परफॉर्म्ड टू ऑब्टेन अ प्योर कल्चर ऑफ एल्गी। एल्गी का कल्चर दो तरह से हमको मिल सकता है, एक कल्चर को हम यूनी एल्गल कल्चर कहते हैं और एक तरह के कल्चर को हम एजेनिक कल्चर कहते हैं। तो दोनों में अंतर है। यूनी एल्गल कल्चर मीन्स अ कल्चर दैट हैव सिंगल टाइप ऑफ एल्गल सेल, और एजेनिक कल्चर मीन्स कि कल्चर तो है एल्गल कल्चर ही है लेकिन वो प्योर है एकदम, उसके साथ में बैक्टीरिया, फंगस या अदर माइक्रोब्स कहीं से भी नहीं है, पूरे एक ही कल्चर है, प्योर कल्चर है, एल्गल कल्चर है, एक ही स्पीशीज का, एक ही स्ट्रेन का है। यूनि एल्गल कल्चर में आपके एक एल्गल सेल तो एक ही है लेकिन उसके साथ में कंटामिनेंट्स हो सकते हैं, हो सकते हैं बैक्टीरिया हो या फिर उसके साथ में अदर एल्गी भी आ सकती हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूनी एल्गल कल्चर एंड एजेनिक कल्चर। एजेनिक कल्चर मींस अ कल्चर दैट इज प्योर फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रेन और अ स्पीशीज, व्हाइल द यूनी एल्गल कल्चर मींस अ कल्चर ऑफ एल्गा बट इट मे हैव कंटामिनेशन ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई और अदर माइक्रोब्स। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बैक्टीरियल आइसोलेशन, जितने भी प्रिंसिपल हमने देखा, जैसे फंजाई को आइसोलेट कर रहे थे तो हम साइड बाय साइड हम देख रहे थे कि वही मेथड्स हैं बैक्टीरिया को आइसोलेट करने वाले, उसी तरह से हम
माइक्रो एल्गी अगर है तो उसको अगर हम आइसोलेट करने चाहें तो प्रिंसिपल मेनली वही है जिस तरह से बैक्टीरिया को आइसोलेट किया जाता है ना। ठीक है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बैक्टीरियल आइसोलेशन इज जनरली एप्लीकेबल फॉर द आइसोलेशन ऑफ माइक्रो एल्गी ड्यू टू देयर हाई कैपेसिटी फॉर मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस टू डिफरेंट एनवायरमेंट्स बोथ एल्गी ऑफन एक्ट एज पायनियर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। जब इकोसिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें पायनियर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। सबसे पहले क्या है कि वहाँ अगर एक्वेटिक एटमोसफियर है तो ड्राई कंडीशंस में जाता है और पहले ऑर्गेनिज्म जब उस एक्वेटिक सॉइल में आएंगे तो पहले एल्गी होते हैं। एल्गी पायनियर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह काम करेंगे क्योंकि उनमें डाइवर्सिटी है और डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में अपने आप को एडप्ट करेंगे और डिफरेंट मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन उनमें पाया जाता है। तो पहले पायनियर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो एल्गी होंगे। एल्गी के बाद जब सबस्ट्रेटम थोड़ा उसके कंपोजिशन डिफर करेगा तब उसके बाद में क्या आते हैं ब्रायोफाइट एरोडा। तो इस तरह से जो जेयर्स होते हैं डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आने से क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनने तक में तो जो पायनियर ऑर्गेनिज्म होंगे वो माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म वो जनरली एल्गी ही होती हैं। तो सेवरल मेथड्स एंड बेसिक कल्चर मीडिया आर डेवलप्ड इन द लेट 1800 एंड अर्ली 1900। ओवर अ सेंचुरी अगो एल्गी वर फर्स्ट स्टडीड इन कल्चर बाय बिजरिंक इन 1890 एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वर्क विद एज एनी कल्चर। बिजरिंक ने सबसे पहले इसको कल्चर किया था प्योर एज एनी कल्चर को बनाया था। फिर प्रेंगशिम आए 1946 में, इन्होंने ये सजेस्ट किया कि एल्गी को ग्रो करने के लिए कोई ना कोई कल्चर मीडिया को यूज करना पड़ेगा जिसमें कि हम न्यूट्रिएंट्स दें और उस न्यूट्रिएंट को लेकर के एक पर्टिकुलर एल्गी को हम आइसोलेट कर पाए। तो ये प्रेंगशिम ने 1946 में सजेस्ट किया था। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ एल्गी आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन इज टू ऑब्टेन एज एनी कल्चर, है ना। यूनिएल्गल कल्चर लेना मतलब नहीं है क्योंकि यूनिएल्गल कल्चर में बहुत सारे कंटामिनेंट्स और भी हो सकते हैं। हमारा एम है कि हम ऐसा कल्चर लें जो कि एजेनिक हो, एक ही स्ट्रेन का हो, एक ही जीनस, एक स्पीशीज हो, एक स्ट्रेन हो, इस तरह का कल्चर हो जिसमें केवल एल्गी हो और कोई फॉरेन कंटामिनेंट्स ना हो। तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ एजेनिक कल्चर। द टर्म एजेनिक कल्चर मीन्स द स्टेट of a culture in which only a single species, variety or strain of organism is present and entirely free of all other contaminating organisms. Such type of culture will be called as azenic culture. Extensive measures must be taken to keep pure unialgal cultures chemically and biologically clean. बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं कि वो एल्गल कल्चर केमिकली भी फ्री हो, बायोलॉजिकली भी फ्री हो। तो केमिकली किस तरह से, क्योंकि वाटर या कोई भी हमारा सबस्ट्रेट ऐसा नहीं है जहां पर कि पॉल्यूटेंट्स, केमिकल पॉल्यूटेंट्स या किसी भी फॉर्म में केमिकल्स प्रेजेंट ना हो। वो केमिकल्स होंगे तो उनकी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब करेगी। तो केमिकली प्योर कल्चर को पाना और बायोलॉजिकली फ्री कंटामिनेंट्स फ्री एल्गल कल्चर को पाना बहुत मुश्किल होता है। तो केमिकल कंटामिनेशन मे हैव अनक्वांटिफाइबल ऑफन डिलीटेरियस एंड देयरफॉर अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑन एल्गल ग्रोथ, है ना। केमिकल्स है तो डायरेक्ट भी बहुत सॉफ्ट एल्गी है, बहुत ही सेंसिटिव है एल्गी, तो उनके ऊपर केमिकल कंटामिनेशन साफ दिखाई देगा क्योंकि उसका डेलिटेरियस इफेक्ट उनकी फिजियोलॉजी पर होगा और वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो होगा वो उनकी मॉर्फोलॉजी पर दिखाई देगा। तो बायोलॉजिकल कंटामिनेशन ऑफ प्योर एल्गल कल्चर्स बाय अदर यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इन मोस्ट केसेस इनवैलिडेट्स एक्सपेरिमेंटल वर्क एंड मे लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द डिजायर्ड एल्गल स्पीशीज इन कल्चर थ्रू आउट कंपटीशन और ग्रेजिंग। अगर बाहर का कोई और कंटामिनेशन आ रहा है तो कभी कभी क्या होता है कि
कल्चर को हम ले आते हैं, सैंपल हमने कलेक्ट कर लिया, उस सैंपल को कलेक्ट किया तो बहुत हेल्दी फॉर्म में हमारा डिजायर्ड और एल्गल कल्चर रहता है। लेकिन समय जब हम उसको प्योर करते जाते हैं, सब कल्चर करते जाते हैं, या अभी हमने आइसोलेशन की प्रोसेस को शुरू भी नहीं किया है, धीरे 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 हमारे डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म मरता चला जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि या तो उसमें केमिकल कंटामिनेंट कहीं ना कहीं से है, या फिर उसके साथ जो ऑर्गेनिज्म आए हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं और कुछ ऐसे बाय प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसकी वजह से डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे खत्म हो रहा है, या फिर जो उसके रिक्वायरमेंट है, जो नेचुरल कंडीशन में उसकी रिक्वायरमेंट है, वो हम लैब कंडीशन में फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो इतना असर पड़ता है कंटामिनेशन का। इन प्रैक्टिस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन बैक्टीरिया फ्री मींस एजेनिक कल्चर्स एंड ऑल्दो मेजर्स शुड बी टेकन टू मिनिमाइज बैक्टीरियल नंबर्स, अ डिग्री ऑफ बैक्टीरियल कंटामिनेशन इज ऑफन एक्सेप्टेबल। कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल ही हो जाता है कि इसमें से बैक्टीरिया हटेगा ही नहीं, तो क्या किया जाता है कि माइनर बैक्टीरियल कंटामिनेशन है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है एज ए एरर समझ करके एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर। अब इनके साथ में क्या क्या दिक्कत है भाई? फंजाई में तो ये वाली दिक्कत नहीं थी, लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, गैसेस का इस तरह का कुछ नहीं था, बहुत आसानी से एल्गी को उठाया और इंक्यूबेटर में डाला और वो आराम से ग्रो कर, सॉरी फंजाई को उठाया और वो ग्रो कर जाते थे। लेकिन एल्गी के साथ में क्यों ये दिक्कत है? बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड ऑल दैट इज नीडेड फॉर ग्रोथ इज लाइट। लाइट के भी आपके केवल लाइट ही नहीं सफिशियंट है, लाइट के भी डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, लाइट इंटेंसिटी होगी, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट होगी, एंड फोटो पीरियड, कितने देर तक उनको लाइट देना है, किस तरह की लाइट देना है, लाइट के स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज क्या है, है उसकी इंटेंसिटी क्या है, कितनी ज्यादा इंटेंसिटी लाइट को देनी है, ये मेजर करता है मेन पॉइंट। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कितना है, वाटर कंसंट्रेशन कैसा है, कितना है, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है, सिंपल न्यूट्रिएंट्स तो जा ही रहे हैं, उसके बाद में ट्रेस एलिमेंट्स भी चाहिए, क्योंकि फंजाई ज्यादातर ऑक्सोट्रॉफिक होती है, कुछ एक फंजाई ही ऐसी होती है जो कि फुल्ली ऑटोट्रॉफिक होते हैं, माने कि वो सन में आपने रख दिया उसको लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और जनरल न्यूट्रिएंट्स दे दिया तो वो ग्रो कर जाए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे एल्गी होती है जो कि ट्रेस एलिमेंट्स मांगती है, जिनके बिना उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो इस तरह की एल्गी को जो कि फुली ऑटोट्रॉफिक होते हुए भी कुछ ट्रेस एलिमेंट्स की या ग्रोथ एलिमेंट्स के नीड रखती है, उनको ऑक्सोट्रॉफिक एल्गी कहते हैं। तो ये सब मेंटेन करना थोड़ा टफ होता है। By means of photosynthesis, the alga will be able to synthesize all the biochemical compounds necessary for growth. Only a minority of algae seem, however, to be entirely autotrophic. Many are unable to synthesize certain biochemical compounds, certain vitamins, for example, and will require these to be present in the medium. This condition is known as auxotrophy. अच्छा, अब आपको यहाँ से शुरू करना है कि किस तरह से एल्गी को आपको कलेक्ट करना है और क्या फ्लो चार्ट है आपको एल्गी को आइसोलेट करने के लिए, क्या क्या स्टेप्स चलने हैं। तो पहला है फील्ड सैंपलिंग, मींस कि आप वो सैंपल लेकर के आए फील्ड से जिसको जिसमें से आपको डिजायर्ड एल्गी को आइसोलेट करना है। अब ला करके आप फिर उसको स्क्रीनिंग करेंगे कि उसमें कोई प्रेडेटर्स तो नहीं है, उसमें जो डेब्रिस है उनको आप सेपरेट कर लेंगे, फिर उसको फिल्टर करेंगे जिससे कि माइक्रो एल्गी सेपरेट हो जाए। फिल्टर करने के बाद में भी आपको कई प्रॉब्लम्स होंगे कि पूरी एल्गल कल्चर नहीं दिखाई दे रहा है, डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर आप जाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की तरफ। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, उसके इफेक्ट से क्या होता है कि जो लो डेंसिटी के एल्गी होंगी या डेब्रीज होंगी या बैक्टीरियल सेल्स है वो ऊपर रह जाएंगी, और हायर यूनी एल्गल कल्चर या एल्गी की जो जितनी भी एल्गी आई है वो बेस में पैलेट फॉर्म में रह जाता है। अब उस सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में, सेंट्रीफ्यूगेशन पे डिपेंड करता है ड्यूरेशन पर और आरपीएम पर, कितने आरपीएम पर उनको दिन सेंट्रीफ्यूज करना है, कितने ड्यूरेशन के लिए करना है। फिर जो नीचे बेस में सब्सटेंस बच जाता है उसको हम पैलेट कहते हैं। उस सुपरनेडेंट को भी आप डिस्कार्ड कर दीजिए क्योंकि उसमें बैक्टीरियल सेल और अदर कंटामिनेंट्स होंगे, उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए। फिर आप लेते हैं पैलेट, जो बेस पर सब्सटेंस बच जाता है
उसको आप दो तरह से यूज कर सकते हैं, या तो आप स्ट्रिकिंग कर लीजिए जैसे फंजाई के लिए करते थे, अगार प्लेट पर स्ट्रिक कर लीजिए, या फिर उन्हीं पैलेट्स का सीरियल डाइल्यूशन कर दीजिए, और या फिर माइक्रोपिपेट आइसोलेशन कर लीजिए। तीन तरह से, पैलेट को आप अगार स्ट्रिकिंग कर लीजिए, उसी से आप माइक्रोपिपेट आइसोलेशन कर लीजिए, या फिर आप सीरियल डाइल्यूशन कर लीजिए। तीन तरह से उस पैलेट्स को यूज कर सकते हैं। अब इन तीनों मेथड से आपको सिंगल एजेनिक कल्चर मिल सकता है। अब देखिए फूल, ये प्रोसेस इतनी आसान नहीं होती है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट इज, जब आप सैंपल को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, उसको कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है प्री आइसोलेशन टेक्निक्स। जब तक कि आइसोलेशन तक आप नहीं गए, आप मटेरियल को कलेक्ट करके ला रहे हैं, और आइसोलेशन के पहले, कलेक्शन से आइसोलेशन के पहले तक की प्रोसेस को प्री आइसोलेशन टेक्निक्स कहते हैं। ये एल्गी के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि सॉयल या वाटर में जो एल्गी है उसके साथ में बहुत सारे माइक्रोब्स कंटामिनेंट्स के फॉर्म में रहते हैं, और उनको हमको नेचुरल कंडीशन से लैब में ला करके वही कंडीशन मेंटेन करनी है जिस कंडीशन में वो, जिस हैबिटेट से आए हैं। अदरवाइज अगर लाइट इंटेंसिटी, पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, न्यूट्रिशन में थोड़ा भी अल्टरेशन होता है, तो डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म हमको नहीं मिल पाता है, डिजायर्ड एल्गी हमको नहीं मिल पाती है। तो इसमें कलेक्शन के समय क्या क्या करना है, किस तरह से कलेक्शन करना है, वो देखते हैं। सैम्पलिंग या कलेक्शन एक ही टर्म है, तो सैम्पलिंग टेक्निक्स में इंक्लूड सीरिंज सैम्पलिंग। वाटर सैंपल लाना है तो आप उससे सीरिंज को यूज कर सकते हैं। अगर आपके रॉक पर वो एल्गी है, पत्थर पर वो एल्गी है, तो आप उसको ब्लेड या रेजर से स्क्रैप कर सकते हैं, और बहुत सुपरफिशियल है तो उसको आप ब्रश से कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर वाटर में थोड़ी गहराई पर है तो इन्वर्टेड पेट्री डिश मेथड एक होता है, जिसमें कि स्पैचुला की हेल्प से पेट्री डिश को अंदर डाल करके हल्का सा खोल के मटेरियल को कलेक्ट किया जाता है। ये तो डिफरेंट मेथड्स है, डिपेंड करेगा कि उस एल्गी की मॉर्फोलॉजी क्या है और किस सरफेस पर वो एल्गी हो रही है, उस हिसाब से हमने इस मेथड को फॉलो किया। लेकिन जो ज्यादातर हम एक्वेटिक एल्गी को लैब में कलेक्ट करते हैं, तो वो है सिंपली वाटर कलेक्शन, है ना। आप वाटर कलेक्ट, आप लोग क्लास में भी एल्गी फाइकोलॉजी की क्लास एमएससी में बच्चे करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, आपको कहा जाता है कि अलग अलग स्पॉट्स पे जाइए और वाटर लेके आइए, तो सिंपल वाटर कलेक्ट करते हैं, उसमें ढेर सारी एल्गी आ जाती हैं, उसको आकर के आप लैब में स्टडी करते हैं और डिफरेंट एल्गी को आइडेंटिफाई करते हैं। इफ द टारगेट स्पीशीज इज यूजुअली फाउंड इन डेप्थ, क्योंकि सी में अगर आप देखेंगे तो 60-90 meters गहरी गहराई में एल्गी मिलती है, कोई भी वाटर बॉडी है तो 60-90 meters नीचे तक आपको एल्गल फॉर्म्स मिलेंगे। तो उतनी गहराई में तो आप जाएंगे नहीं, उतनी गहराई में जाने के लिए आपको कुछ स्पेशल टाइप के कलेक्शन मेजर्स हैं, जैसे निस्किन बॉटल है या रोजेट सैम्पलर है, इनको यूज किया जाता है उतनी गहराई से कलेक्ट करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल है आपका निस्किन बॉटल, इसमें क्या किया जाता है कि जैसे आप बोट से गए उस वाटर बॉडी के पास में, गहराई पे आपको सैंपल कलेक्ट करना है, तो इस तरह के बॉटल्स को यूज किया जाता है। यहाँ से इसका ढक्कन उतार लिया जाता है और इसको फिर थ्रेड से बांधा जाता है, और थ्रेड का जो लेंथ होती है वो मीटर मीटर में मार्क कर दी जाती है, 1 meter फिर मार्क, 2 meter फिर मार्क किया, फिर 1-1 meter करके धीरे धीरे इसमें बांध करके थ्रेड को वाटर बॉडी में डिप किया जाता है, और डिप करने के बाद में हमको पता रहता है कि भाई इतनी थ्रेड अगर गहराई में जा रही है तो उतनी गहराई वो मेजर्ड होगी थ्रेड के हेल्प से, और जहां जिस गहराई पे जाके हमको एल्गल सैंपल को कलेक्ट करना है उस गहराई से फिर उसको निकाल लेते हैं, और फिर ला करके स्टॉपर लगा करके, और फिर उस सैंपल को यहाँ से आउटलेट होता है जिसके थ्रू हम उस एल्गल कल्चर को विद वाटर यूज करते हैं लैब में ला करके। ये रोजेट है, स्टैंड है जिसमें कि अलग अलग स्किन बॉटल्स लगी हुई है। तो इस तरह से गहराई से वाटर सैंपल को कलेक्ट करना है तो इस तरह के बॉटल्स को यूज किया जाता है। व्हेन सैंपलिंग इट इज फंडामेंटल टू रिकॉर्ड फैक्टर्स सच एज लाइट, वाटर टेम्परेचर, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड
न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन पीएच एंड सैलिनिटी टू मिमिक दीज कंडीशंस एट द लेबोरेटरी एंड एस्टेब्लिश द लोकेशन को एंड एस्टेब्लिश द लोकेशन कोऑर्डिनेट्स टू रेप्लिकेट सैंपलिंग इफ नीडेड, है ना। इतनी चीजें हमको पता होनी चाहिए ताकि हम वो सारे सिचुएशंस को लैब पर ला करके वो कंडीशंस क्रिएट कर पाए जहां पे कि हमको डिजायर्ड एल्गी को ग्रो करना है। आइसोलेशन ऑफ एल्गी फ्रॉम वाटर अमंग टोटल एल्गी आइडेंटिफाइड, जैसे 44,000 स्पीशीज, अबाउट 90% ऑफ एल्गी टिल डेट कंस्टिट्यूट एक्वेटिक हैबिटेट बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर। सैंपल कलेक्शन के लिए आप अगर फ्लोटिंग माइक्रो एल्गी है तो उसको आप नेट से यूज निकाल सकती है, कोई नेट ले जाइए और उसमें आपको फ्लोटिंग एल्गी है तो उसमें कलेक्ट कर लीजिए। मैक्रो एल्गी है या बेंथिंग है, मतलब वाटर बॉडी के सरफेस पर सेडिमेंट्स में लगी हुई एल्गी है, तो उसको हैंड या नाइफ से कलेक्ट कर लीजिए। सैंपल्स वायल्स में आप कलेक्ट करिए, बेसल मीडियम उसको देना पड़ेगा। अब जब एल्गी को कलेक्ट करके आप ला रहे हैं तो आप तुरंत लाइट तो उसको देंगे नहीं, तो थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट्स आपको देना पड़ता है, मीडिया एम्प्लॉयड बेसल मीडियम कुछ देना पड़ता है ला करके, उसको कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स देना होगा। उस वो न्यूट्रिएंट्स किस फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे बोल्ट्स बेसल मीडिया है या चू मीडिया है या बेनेक्स मीडिया है, इस तरह से मीडिया को थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट धीरे धीरे, ये नहीं कि पूरा लाया और पूरे मटेरियल में आपने मीडिया एम्प्लॉय कर दिया, ऐसा नहीं करना है, इंट्रोड्यूस नहीं करना है न्यूट्रिएंट्स को, धीरे 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 डालना है, क्योंकि अगर एक्सेसिव मीडिया आप डालेंगे तो उसके साथ में जो कंटामिनेंट्स है वो भी एल्गी से ज्यादा वो ग्रो करने लग जाएंगे। तो बहुत कम, जैसे कि 1 लीटर में 1 ml डाल सकते हैं शुरू में, इसी इनिशियली इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एजेनिक कल्चर एस्टेब्लिश करने के लिए 4 मेजर टेक्निक्स है। पहला है आप फिल्ट्रेशन, फिलामेंटस एल्गी कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया यूजिंग मेम्ब्रेन फिल्टर्स, है ना। मेम्ब्रेन फिल्टर्स मैंने बताया था, सेल्यूलोज नाइट्रेट के मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं, तो उनको भी यूज करते सकते हैं, सिंपल और भी फिल्टर कर सकते हैं जिससे कि फिलामेंटस एल्गी सेपरेट हो जाती है, बैक्टीरियल कल्चर बैक्टीरिया निकल जाएगा उसमें से। फिर है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें सिलिका जेल या परकोल को ग्रेडियंट प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे सिलिका या परकोल डिफरेंट डेंसिटीज के यूज किए जाते हैं और फिर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, तो जिस एल्गी का जो डेंसिटी होगी वो उस डेंसिटी पर जाकर के सिलिका या परकोल, जिसको भी हम यूज कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस में, वहां पर जाकर के वो सेपरेट हो जाते हैं, डिफरेंट बैंड्स बन जाते हैं और उस बैंड्स को हम सेपरेट करके माइक्रो एल्गी को उस हिसाब से विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेट कर सकते हैं। तो वो डेंसिटी ग्रेडियंट बनाने के लिए, ग्रेडियंट्स के लिए या तो आप सिलिका जेल यूज कर सकते हैं या परकोल यूज कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा उसका क्या प्रिंसिपल है, और ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है इसको आप अच्छे से जानते होंगे, तो उसी बेसिस पर उसी वेराइटी ऑफ ग्रेडियंट को यूज करके डिफरेंट एल्गी को आप बैंड्स के फॉर्म में सेपरेट कर सकते हैं। फिर है तीसरे की एंटीबायोटिक स्क्रीनिंग क्या होती है। एंटीबायोटिक स्क्रीनिंग मतलब कि फंगल फंजाई को एलिमिनेट करने के लिए एंटी फंगल चीजें यूज कर लीजिए, बैक्टीरिया को यूज करना है तो आप उसके लिए एंटीबायोटिक यूज कर लीजिए। तो निस्टैटिन 100 माइक्रोग्राम पर ml इज यूज टू एलिमिनेट फंगल कंटामिनेंट्स। जर्मेनियम डाइऑक्साइड एलिमिनेट्स डायटम्स, फिर डायटम्स डायनोफ्लोरिडेट्स ये सब साथ में आएंगे, तो इनके लिए अलग अलग चीजों को सेपरेट करने के लिए अलग अलग केमिकल्स है जिनको आप यूज कर सकते हैं। फिर ब्लीचिंग, ब्लीचिंग क्यों की जाती है, जैसे कि रेजिस्टेंट स्टेजेस एल्गी की एकाइनेट्स आएंगे, जायगोट्स आएंगे, तो उनको ब्लीच कर दिया जाता है, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइट है, विनेगर है, प्लेटिंग करने के पहले या प्योर कल्चर लेने के पहले उनकी ब्लीचिंग कर दी जाती है, जिससे कि अगर वो रिप्रोडक्टिव रेस्टिंग स्टेज अगर एल्गी की आ रही है तो उसके ऊपर कोई ना कोई कंटामिनेंट तो होगा ही, उस कंटामिनेंट को दूर करने के लिए उनके सरफेस को ब्लीच कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड ले लीजिए या विनेगर को यूज करके, इस तरह से ब्लीचिंग हो जाएगी। तो एक तरह से ये भी उसको स्टेरिलाइज कर लिया आपने रेस्टिंग बॉडीज को।
अब सैंपल आप ले आए हैं, उसमें आपको न्यूट्रिएंट्स डालने हैं, तो उस सैंपल को में न्यूट्रिएंट्स डालने के लिए कहते हैं इनरिचमेंट ऑफ द सैंपल। तो वो इनरिचमेंट अलग तरह के एल्गी के लिए अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर डेलिकेट एल्गी एंड फ्लैजेलेट्स के लिए ईएस इनरिच्ड सी वाटर होता है, ठीक है। और क्राइसोफाइट्स है, क्लोरोफाइट्स है या डायटम्स और क्रिप्टोफाइट्स है, तो उसके लिए आता है एफ बाई टू मीडिया। सबका कंपोजिशन मैंने बाद में लिखा हुआ है स्लाइड्स में, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा, ले लीजिएगा। और साइनोबैक्टीरिया के BG11SW मीडिया होता है साइनोबैक्टीरिया के लिए। तो इस तरह के न्यूट्रिएंट्स को जब आप कलेक्ट करके लाना है, क्या आपको उसमें से आइसोलेट करना है, उस हिसाब से आप उस मीडिया को, उस न्यूट्रिएंट को डाल सकते हैं। तो इसको कहा जाता है इनरिचमेंट ऑफ सैंपल्स। देन रिमोशन मेथड्स, ये रिमोशन मेथड्स क्या होते हैं, माइक्रो एल्गी सेक्रेट एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस या ईपीएस सब्सटेंसेस। क्या होते हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलोज सेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस? दीज सब्सटेंसेस कंसिस्ट पॉलीसेकेराइड्स प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स। इस जो माइक्रो एल्गी के सर्फेस पर हम देखते हैं ना म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस होते हैं, तो म्यूसिलेज क्या है, वो पॉलीसेकेराइड है। उसी पॉलीसेकेराइड में आपके प्रोटीन्स होंगे, वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स होगी, न्यूक्लिक एसिड्स होंगे और लिपिड्स होंगे जब आप लेके आ रहे हैं। अब वो भी कंटामिनेंट्स की तरह से काम करते हैं, उन चीजों को हटाना पड़ता है। बाय दिस एल्गल सेल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, जनरेट सेल प्रोटेक्शन एंड इट इज अ एनर्जी रिजर्वायर की तरह वो सब्सटेंसेस काम करते हैं। अब वो इतना न्यूट्रिशनली रिच होता है उनका म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस जिसमें वो एल्गी है, तो उसमें क्या होता है बैक्टीरियल कंटामिनेशन अधिकतर हुआ, क्योंकि बैक्टीरिया फ्रिक्वेंटली अटैच एंड फीड ऑन दिस ईपीएस लेयर। अब उस ईपीएस लेयर को हटाने के लिए क्या की जो प्रोसेस है, उसको एल्गल सरफेस के सब्सटेंसेस को हटाने के जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं रिमोशन प्रोसेस मेथड्स। तो वो रिमोशन प्रोसेस क्या है, वॉर्टेक्सिंग। बहुत तेजी से अगर किसी सैंपल को ला करके आप शेक करेंगे तो उसको बड़े वॉर्टेक्सिंग कहा जाता है। इसी तरह से सोनिकेशन, सोनिकेशन माने कि अल्ट्रासाउंड जो होती है साउंड वेव्स से अगर उसको हटाएंगे, उसको एजिटेट करेंगे तो उसको सोनिकेशन कहते हैं। या फिर यूज करते हैं आप सर्फेक्टेंट्स, जैसे कि डिटर्जेंट्स होते हैं, डिटर्जेंट्स को यूज किया जाता है किसी चीज का सरफेस टेंशन को कम करने के लिए। तो जब सर्फेक्टेंट्स का ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उससे भी वो मटेरियल सेपरेट हो जाता है और सेपरेट हो जाते हैं और बैक्टीरिया वगैरह धीरे धीरे उसमें से कम हो जाते हैं और एल्गी के सेपरेशन की इफिशियंसी बढ़ जाती है। तो इस तरह से इन मटेरियल्स को हटाना और बैक्टीरियल कंटामिनेशन को कम करने की प्रोसेस को हम रिमोशन मेथड कहते हैं। फिर है फिल्ट्रेशन, आपने वो सब हटा दिया, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जो था वो हटा दिया, अब आप फिल्टर करिए। माइक्रो एल्गीस एल्गल सैंपल्स कैन बी फिल्टर्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ मेम्ब्रेन डिक्रीजिंग मैश, मैश साइज माने कि पोर साइज फिल्टर्स के डिफरेंट होते हैं, उन डिफरेंट पोर साइज के फिल्टर के थ्रू या मेम्ब्रेन के थ्रू उनका फिल्ट्रेशन किया जाता है। और फिल्ट्रेशन करने के बाद में आप उन फिल्टर्स को ही डायरेक्टली प्लेट पर रख देते हैं। जैसे एक मैश साइज 33 आपने उससे फिल्टर किया और जो फिल्ट्रेट में आ गए बैक्टीरिया वगैरह फिल्ट्रेट में आ गए होंगे, जो रेजिड्यू के फॉर्म में उस फिल्टर पर बचा होगा उसको आप एक एल्गल प्लेट मीडिया प्लेट पर रख दीजिए, फिर दूसरे बार जो बचा रहा उसको फिर से इस तरह से फिल्टर करिए। फिर तो जितने तरह से आप जितने मैश साइज के मेम्ब्रेन को आपने यूज किया है उसको आप एल्गल मीडिया पर रख देंगे और तो फिर क्या हो जाएगा, उतने तरह के आपकी एल्गी, डिपेंड करेगा किस साइज की एल्गी कॉलोनी ग्रो कर रही है, तो जो जो जिस मैश के हिसाब से आएगी उस हिसाब से आपकी एल्गल कॉलोनीज डिफरेंट प्लेट पर आ जाती है। मेम्ब्रेन को उल्टा करके आपको रख देना है प्लेट के ऊपर, जो एल्गल सेल्स उस मेम्ब्रेन पर एडहर्ड है वो मीडियम को पाते ही फिर ग्रो कर जाती है। This method allows the separation of microorganism by their cell size only, है ना, cell size के हिसाब से, क्योंकि वो mesh size के हिसाब से ही आपकी separate होंगी। Microalgal cells bigger than bacteria can be retained in a membrane or filter to be
पोस्टीरियरली कल्टीवेटेड इन मीडिया विदाउट बैक्टीरियल कंटामिनेशन. तो जितने भी मेश साइज हम यूज करेंगे वो ये इसलिए इस तरह के यूज करेंगे जिससे कि बैक्टीरियल सेल्स फिल्टर होके चली जाए और जो रह जाए वो केवल एल्गल सेल हो. एल्गल सेल में भी वो डिफरेंट जेनस के साइज के हिसाब से वो सेपरेट कर देगा. इस तरह से फिल्ट्रेशन से आप एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं आइसोलेशन के लिए. अब जो फिल्ट्रेशन से भी नहीं आ पाई एल्गी उसके लिए क्या करना होगा, बार बार मैं बता रही कि उसके लिए फिर आपको सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ेगा जो इस तरह भी नहीं आई. तो सेंट्रीफ्यूगेशन वर्क्स बाय सेपरेटिंग ऑर्गेनिज्म बाय सेल साइज यूजिंग ग्रेविटी. ग्रेविटी भी है और फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है. इन दोनों के असर से लो डेंसिटी सेल्स सच एज बैक्टीरिया टेंड टू स्टे इन द सुपरनेटेंट फ्रैक्शन एंड आर डिस्कार्डेड. सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड कर दिया. माइक्रो एल्गी एंड हाई डेंसिटी सेल्स नॉर्मली रिमेन इन द पैलेट फ्रैक्शन. पहले ही बता चुकी हूँ पैलेट जो नीचे जम जाते हैं उसे पैलेट कहते हैं. अब उस पैलेट को आप सिलिका या परकोल डेंसिटी ग्रेडियंट के साथ में यूज करेंगे और डिफरेंट बैंड्स आपको मिलेंगे. आप उसके उस एल्गी को सेपरेट बैंड से सेपरेट कर सकेंगे. सेपरेशन एफिशिएंसी एंड सेंट्रीफ्यूगेशन डिपेंड्स ऑन स्पीड एंड टाइप. आपने किस आरपीएम पे उसको चलाया है और कितना टाइम तक चलाया है इस पर डिपेंड करेगा. तो सेंट्रीफ्यूगेशन से भी आप एल्गी को सेपरेट कर सकते हैं. सेंट्रीफ्यूगेशन इज हेल्पफुल इन कंसंट्रेटिंग एल्गल सेल्स एंड रिड्यूसिंग द बैक्टीरियल पॉपुलेशन. बैक्टीरियल पॉपुलेशन तो सुपरनेटेंट में आकर के निकल गई और पैलेट में जो है वो एल्गी है. उन एल्गी को हम फिर सेंट्रीफ्यूगेशन उन एल्गी को हम फिर से फर्दर टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं. दिस टेक्निक डज नॉट जेनरेट एन एजेनिक एल्गल कल्चर By itself, but it will facilitate posterior techniques to isolation. खाली ये जो आने वाले हम techniques को follow कर रहे हैं उसमें से bacterial cells को कम करने में ये हमें help करेगा. और जो pellets होंगे उसमें heterogeneous mixture हो सकता है algae का. तो देखिए जो mixed आपको pellet में suppose इस तरह के mixed population मिली algae की एजेनिक कल्चर टेक्निक से आप जाएंगे तो आपको एजेनिक कल्चर मिल जाएगा जिसमें एक ही तरह की आपको एल्गी दिखेगी. वो एजेनिक एल्गी निकालने का मकसद क्या है, बिकॉज दिस एजेनिक कल्चर ऑफ माइक्रो एल्गी विल बी यूज्ड बाय फॉर डिफरेंट पर्पसेस फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग एंड मॉलिक्यूलर स्टडीज. माइक्रो एल्गी बैक्टीरिया इंटरेक्शन आप पढ़ सकते हैं. बायोऑप्टिक कंपाउंड्स के डिस्कवरी कर सकते हैं. बायोमास मेटाबॉलिज्म प्रोडक्शन कंट्रोल अप्रोच फॉर हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स एंड अदर एप्लीकेशन. जो एजेनिक कल्चर लाने का या आइसोलेशन का या प्योर कल्चर ऑप्टेन करने के इतने हमारे एम है. एजेनिक कल्चर वही है जीनोम सिक्वेंसिंग माइक्रो एल्गी बैक्टीरिया इंटरेक्शन बायोमास कंट्रोल अप्रोच बायोएक्टिव कंपाउंड अदर एप्लीकेशंस. फॉर द आइसोलेशन ऑफ एल्गी फ्रॉम सॉयल एंड फ्रेश वाटर टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन इज अ सेलेक्टिव फैक्टर ऑफ मेजर इंपॉर्टेंस. मैंने पहले भी बताया कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन टेम्परेचर फ्रेश वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एल्गी आइसोलेशन के लिए. Algae encompass several groups of relatively simple living aquatic organism that capture light energy through photosynthesis, using it to convert inorganic substances into organic substances. Soil algae excrete growth promoting substances such as hormones, vitamins, amino acids, and organic acids that affect other organisms in their survival and multiplication in many ways. सेलेक्शन ऑफ सोर्स का सिलेक्शन आप सॉयल ले लेंगे या वाटर डिपेंड करेगा कौन सी एल्गी आपको आइसोलेट करनी है. इनरिचमेंट कल्चर मैंने बताया कि कल्चर के इनरिचमेंट का मतलब है कि आप उसको अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स दे दीजिए मीडिया दे दीजिए. न्यूट्रिएंट्स किस में होंगे, मीडिया में होंगे. प्रॉपर पीएच मेंटेन कर दीजिए, प्रॉपर लाइट दीजिए और प्रॉपर टेम्परेचर दीजिए. जब इतनी चीजें आप उसको ला करके देंगे तो उसको कहा जाएगा इनरिचमेंट ऑफ कल्चर. आइसोलेशन टेक्निक्स क्या क्या होती है ना, किस तरह से हम यूनी एल्गल कल्चर एजेनिक कल्चर तो बाद में आएगा, पहले हम ये तो कर लें कि जो मिक्स्ड पॉपुलेशन आ रही है उसमें से कम यूनी एल्गल कल्चर तक पहुंच जाए. तो यूनी एल्गल कल्चर कैसे आएगा, सिंगल सेल आइसोलेशन. एक एक सेल को
एल्गी के केस में कोशिश ये की जाती है कि एक सेल को हम सेपरेट कर दे किसी तरह से। तो इस तरह से सिंगल सेल का आइसोलेशन किस तरह से होगा, इट इज परफॉर्म्ड विद अ माइक्रो पिपेट और पास्चर पिपेट ऑफ और अ ग्लास कैपिलरी। ग्लास कैपिलरी किस तरह बनाई जाती है या पास्चर पिपेट क्या होते हैं, माइक्रो पिपेट तो आप देखते होंगे, माइक्रो पिपेट आजकल मार्केट में अवेलेबल होते हैं अलग अलग कैपेसिटी के, उन माइक्रो पिपेट्स को ले आइए। या फिर पास्चर पिपेट माने कि जैसे आई ड्रॉप ड्रॉपर होता है आंख में दवा डालने वाला, उसी तरह से पास्चर पिपेट्स भी होते हैं। इनमें पीछे से एक बल्ब लगा होता है, चाहे वो रबर का हो या सिलिकॉन का हो, और उससे हम बहुत ही माइन्यूटली उस पास्चर पिपेट को यूज कर सकते हैं। पास्चर पिपेट माने लुईस पास्चर ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए इसको पास्चर पिपेट कहते हैं। डिस्पोजेबल भी होते हैं, ग्लास के भी बने होते हैं और प्लास्टिक के भी आते हैं। उससे आप कोशिश करिए कि एक सेल को उठा करके आप मीडिया पे या स्लाइड पे, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ पे या किसी भी जगह आप उसको आइसोलेट करके डालें ताकि प्रॉपर एक कॉलोनी बन जाए। या फिर ग्लास कैपिलरी आप खुद से बना सकते हैं लेबोरेटरी में। ग्लास रॉड्स होते हैं, उसको बंसन बर्नर के ऊपर या ये स्प्रिट लैम्प के ऊपर हीट करते हैं, और हीट करने के बाद में उसको खींचते हैं दोनों तरफ से, तो बीच का पोर्शन मेल्ट कर जाते हैं और जितना खींचेंगे एक पतली सी ट्यूब बन जाती है, उसको ग्लास ट्यूब, ग्लास कैपिलरी कहा जाता है। अपने डिजायर्ड आपका क्या है, किस कितनी चौड़ी लेने उस हिसाब से उसको खींच करके पानी में डाल दीजिए, आपकी ग्लास कैपिलरी तैयार हो जाती है। उस ग्लास कैपिलरी को आप सैंपल में डालिए, उसमें एल्गी की सेल आ गई है, और फिर आप उसको स्लाइड पर या अगार प्लेट पर डाल करके सिंगल सेल आइसोलेशन की कोशिश कर सकते हैं। तो करना क्या है कि कलेक्ट अ सिंगल सेल फ्रॉम द सैंपल, चाहे वो वाटर सैंपल हो, चाहे सॉयल सैंपल हो, या फिर कोई मिक्स्ड पॉपुलेशन आपको एल्गी की मिली हो, उसको डिपॉजिट इट इन अ स्टेराइल ड्रॉपलेट ऑफ कल्चर मीडियम, है ना। कल्चर मीडियम आप चाहे स्लाइड पर रख लीजिए, चाहे आप पेट्री प्लेट पर रख लीजिए। पिक अप द सेल अगेन एंड ट्रांसफर इट टू सेकेंड स्टेराइल ड्रॉप, मतलब कि सैंपल से आपने उस ग्लास कैपिलरी से कोशिश की कि एक सेल उसमें आ जाए, फिर आपने उसको ट्रांसफर किया फ्रेश मीडियम पर, कल्चर मीडियम पर, फिर उस कल्चर मीडियम में जितनी भी सेल आई होंगी या सिंगल सेल होगी उसको फिर वॉश कर लीजिए कल्चर मीडियम पर, फिर उसी में से उठा करके दूसरे ड्रॉप ऑफ कल्चर में डालिए। इस तरह से कई बार उसको रिपीट करिए। तो जो पहले आपने सैंपल में से इनोकुलम या जो ये एल्गी का कल्चर लिया होगा उसमें हो सकता है मोर देन वन सेल्स हो, तो फिर जब आप ये बार बार इसको डाइल्यूट करते जाएंगे मीडियम में, तो बीच में ही ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं आपकी एक सिंगल एल्गल सेल मिल जाएगी, और फिर उस को जब आप ग्रो करेंगे तो आपको कॉलोनी एल्गी की मिल जाएगी, एल्गी का कल्चर मिल जाएगा। तो इसको कहा जाता है सिंगल सेल आइसोलेशन। रिपीट द प्रोसेस अंटिल अ सिंगल एल्गल सेल कैन बी प्लेस्ड इनटू अ फाइनल आइसोलेशन वेसल। इसको प्रोसेस, तो इसको कहा जाता है सिंगल सेल आइसोलेशन। फॉर दिस पर्पस नोवेल टेक्निक्स फॉर सिंगल सेल आइसोलेशन इंक्लूड माइक्रो मैनिपुलेशन बाय एम्प्लॉइंग स्टीरियो माइक्रोस्कोप, माइक्रो कैपिलरी ट्यूब्स एंड ऑप्टिकल ट्वीजर्स विच ग्रेटली रिड्यूसेस लेबर एंड सेल डैमेज। तो आजकल बहुत एडवांस्ड लेबोरेटरीज में स्टीरियो माइक्रोस्कोप्स आते हैं, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है और वही फिर जो है वो सिंगल सेल को आइसोलेट कर लेगा, हाथ से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह से एडवांस्ड माइक्रो कैपिलरीज ट्यूब भी हैं जो कि उसको सक कर लेंगे सिंगल एल्गल सेल को। इसी तरह से ऑप्टिकल ट्वीजर्स आते हैं, वो फोर्सेप की तरह से काम करते हैं और सिंगल सेल को उठा करके एक फ्रेश मीडियम पर ले जाएंगे और आपको सिंगल सेल एल्गी का कल्चर मिल जाएगा। मटेरियल रिक्वायरमेंट, अब हम आइसोलेट करने चल रहे हैं, मटेरियल कलेक्ट कर लिया, उसको सफा कर लिया, और मटेरियल को अगर आइसोलेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, नेचुरल सैंपल चाहिए होगा, कल्चर मीडिया बहुत तरह के एल्गी के लिए होते हैं, ग्रीन एल्गी के लिए अलग है, साइनोबैक्टीरिया के लिए अलग है, बहुत ढेर सारे कल्चर मीडिया है जो आपके कोर्स में भी वहां पे दिखाए हुए हैं। तो सारे कल्चर मीडिया को मैं डिस्कस नहीं करूंगी, बीच बीच में ये कल्चर मीडिया आते जाएंगे, आप उनका कंपोजिशन नोट कर लीजिएगा और मीडिया बनाना आप अच्छे से जान गए। तो जैसे बेनिक मीडिया है, चू मीडिया है, मॉडिफाइड चू मीडिया है, तो इस तरह से आप सबको कंपोजिशन इसमें से लिख लीजिएगा पीपीटी में से।
नेचुरल सैंपल चाहिए, कल्चर मीडिया चाहिए, स्टेराइल कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, स्टेराइल टेस्ट ट्यूब, स्टेराइल पिपेट्स, डिस्टिल्ड वाटर, बंसन बर्नर, ग्रोथ चैम्बर, लाइट ऑफ सुटेबल इंटेंसिटी। तो कल्चर हैज थ्री डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। अ कल्चर मीडियम कंटेंड इन अ सुटेबल वेसल, द एल्गल सेल्स ग्रोइंग इन द मीडियम, एयर टू अलाउ एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन मीडियम एंड एटमोसफियर। तो कल्चर के लिए तीन ये डिस्टिंक्ट कंपोनेंट हमें चाहिए। लाइट का क्या रोल है, कल्चर हम करने चले हैं तो लाइट का क्या रोल होगा? एज विथ ऑल प्लांट्स, माइक्रो एल्गी फोटोसिंथेसाइज, दे असिमिलेट इनऑर्गेनिक कार्बन। ये हम अच्छे से जाने कि भाई ऑर्गेनिक मैटर बना रहे हैं, सोर्स ऑफ लाइट है, और उस सोर्स ऑफ लाइट का तीन चीजें मैटर कर रही हैं। एक उसकी इंटेंसिटी, उसकी स्पेक्ट्रल क्वालिटी और उसकी फोटो पीरियड। इंटेंसिटी माने कि उसी वही इंटेंसिटी जिदे जो वो डिपेंड करेगा कि कौन सा पिगमेंट है ना एल्गी में, कौन सा जो डिजायर्ड एल्गी है उसमें कौन कौन पिगमेंट डोमिनेट कर रहे हैं। क्लोरोफिल ए तो रहेगा ही, उसके साथ में जो एसेसरी पिगमेंट्स है वो कौन से है, उनके लिए लाइट इंटेंसिटी कितनी चाहिए, उसके हिसाब से आप डिफाइन करेंगे कि कौन सी लाइट इंटेंसिटी चाहिए। फिर लाइट के क्या स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज है, कितने देर तक आपको वो लाइट को देना है। तो ये तीन फैक्टर्स लाइट देने के पहले हमको ऑब्जर्व करना है और उन चीजों को हमको मेंटेन करना है। अब लाइट क्या है कि लाइट किस इंटेंसिटी को कैसे करेंगे, क्यों इंटेंसिटी में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वेसल हम ग्रो कर रहे हैं, जिसमें हम एल्गी को ग्रो कर रहे हैं, हो सकता है कि वो एक कोनिकल फ्लास्क हो, एलन मेयर फ्लास्क हो। तो उसके लिए देखिए 1000 लक्स इज सुटेबल फॉर एलन मेयर फ्लास्क। उसके बाद में अगर लार्जर वॉल्यूम पे हम चले जाते हैं तो फिर इंटेंसिटी ज्यादा चाहिए, 5000 से 10000, क्योंकि लाइट को पेनिट्रेट करके हर एक सेल तक पहुंचना है। तो उसके लिए हम धीरे धीरे लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाते चले जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्या क्या कंटेनर है जिसमें कि हम एल्गी को कल्चर कर रहे हैं। तो लेबोरेटरी पर तो केवल इतनी ही इंटेंसिटी सफिशियंट होगी, अभी हमें स्क्रीन करना है। अगर हम मास कल्चर कर रहे हैं तो लाइट इंटेंसिटी हमको बढ़ाना पड़ेगा, दो जो कि डिपेंड करेगा हमारी वॉल्यूम पर। नेचुरल लाइट भी हो सकती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब भी यूज कर सकते हैं। ड्यूरेशन आर्टिफिशियल इल्यूमिनेशन है तो इट शुड बी मिनिमम 18 आवर ऑफ लाइट पर डे। ऑल द कल्टिवेटेड फाइटोप्लैंक्टन डेवलप नॉर्मली अंडर कॉन्स्टेंट इल्यूमिनेशन। टू हाई लाइट इंटेंसिटी अगर दे देंगे, डायरेक्ट सनलाइट दे दें या फिर बहुत ही क्लोज कर दें आर्टिफिशियल लाइट के, तो फोटो इनहिबिशन हो जाता है। आपने फोटो सिंथेसिस पढ़ी होगी, फोटो इनहिबिशन क्या होता है जानते होंगे आप, लाइट इंटेंसिटी से किस तरह से फोटो सिंथेसिस रुक जाती है। ठीक है, पीएच बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। द पीएच रेंज फॉर मोस्ट ऑफ द कल्चर्ड एल्गी स्पीशीज कितने, 7 to 9, विद ऑप्टिमम रेंज बीइंग 8.2 to 8.7। इतना ऑप्टिमम है और अप टू 7 and 9 ये टॉलरेट कर सकता है। इससे कम या ज्यादा होगा तो एसिडिक कंडीशन हो जाएगी या फिर बहुत ज्यादा एल्केलाइन कंडीशन हो जाएगा। तो दोनों ही चीजों से बचते हुए 7 to 9 पीएच मेंटेन करके रखना है मीडिया का। कंप्लीट कल्चर कोलैप्सेस ड्यू टू, जो थोड़ा सा भी होगा तो कोलैप्स कर जाएगा आपका कल्चर। इन द केस ऑफ हाई डेंसिटी एल्गल कल्चर द एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अलाउज टू करेक्ट फॉर इंक्रीज्ड पीएच, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड डाल करके उसको उसी के हेल्प से आप पीएच को मेंटेन कर सकते हैं, विच में रीच लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ अप टू pH 9 ड्यूरिंग द एल्गल ग्रोथ। एरेशन एंड मिक्सिंग, इस तरह की प्रॉब्लम हम लोगों को फंगल कल्चर में नहीं पड़ रही थी ना, क्योंकि वो तो भाई हेटरोट्रॉफ थे और उनको ना लाइट की जरूरत थी और ना ही इस तरह का प्रॉपर एरेशन नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड का उनको उतना मतलब नहीं था। तो ये प्रॉब्लम एल्गी के कल्चर में आती हैं। मिक्सिंग इज नेसेसरी टू प्रिवेंट सेडिमेंटेशन ऑफ द एल्गी, है ना, बेस पर वो बैठ जाते हैं। जब एल्गा का कल्चर आप लिक्विड मीडिया में करते हैं तो वो एल्गी जो होती है उसके बेस पर फिर बैठने लगती है और धीरे धीरे उनकी रॉटिंग होने लगती है। तो उस चीज से बचने के लिए और प्रॉपर एरेशन, माने कि हर एक सेल को प्रॉपर लाइट मिले, हर एक सेल को प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड मिले, उसके लिए मिक्सिंग की जाती है, शेक किया जाता है
जैसे पॉन्ड वगैरह में हम मास कल्चर कर रहे हैं तो उसमें पैडल वगैरह यूज किए जाते हैं, जिससे कि पानी लगातार एजिटेट होता रहे और प्रॉपर एयर करंट मिलती जाए, जिससे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई पूरी एल्गल कल्चर को प्रॉपर होती रहे। तो गैसियस एक्सचेंज के लिए आपको एरेशन या फिर मिक्सिंग बार बार करती रहना पड़ता है। द लेटर इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस एज द एयर कंटेन्स द कार्बन सोर्स फॉर फोटोसिंथेसिस इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई और ऑक्सीजन एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज के लिए वी हैव टू डू एरेशन एंड मिक्सिंग। डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ द कल्चर सिस्टम मिक्सिंग इज अचीव्ड बाय स्टीरिंग डेली। जैसे टेस्ट ट्यूब में अगर आपने ग्रो करा है कल्चर तो उसको हाथ से शेक कर दीजिए दिन भर में, एलन में फ्लास्क में कर रहे हैं तो उसको हाथ से शेक कर दीजिए, और बैग वगैरह में कर रहे हैं तो उसको डिपेंड करेगा किस तरह का आपको शेकिंग किस तरह से करनी है। पैडल व्हील है, जेट पंप्स है जो पॉन्ड्स वगैरह में एजिटेट करेंगे प्रॉपर एयर सर्कुलेशन के लिए। अब है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्यों क्या प्ले करेगा? टेम्परेचर बिटवीन 20 to 24 इज सफिशियंट। 20 से कम होगा तो एल्गी मर जाएगी, और 24 से बहुत ज्यादा अगर हो जाएगा तो वो भी लिथल हो जाएगा। तो टेम्परेचर लोअर देन 16 डिग्री सेंटीग्रेड विल स्लो डाउन द ग्रोथ, वेयर एज दोज हायर देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड आर लिथल फॉर अ नंबर ऑफ स्पीशीज। फिर अगर हम मैरीन वाटर की एल्गी को कलेक्ट कर रहे हैं, उसका कल्चर कर रहे हैं, तो उसके लिए सैलिनिटी बहुत जरूरी होगी कि कितने सैलिनिटी पर वो एल्गी ग्रो कर रही है। मैरीन फाइटोप्लैंकटन जैसे कि आप डायटर्म्स है, डायनोफ्लैजेलेट्स है, या मैरीन ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसको ग्रो करने के लिए इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू नो द सैलिनिटी। तो मोस्ट स्पीशीज ग्रो बेस्ट एट अ सैलिनिटी दैट इज स्लाइटली लोअर देन दैट ऑफ देयर नेटिव हैबिटेट। कम है सैलिनिटी तो वो चल जाएगा, विच इज ऑब्टेन्ड बाय डाइल्यूटिंग सी वाटर विद टैप वाटर। सैलिनिटीज ऑफ 20 to 25 ग्राम पर लीटर हैव बीन फाउंड टू बी ऑप्टिमल। एक लीटर मीडियम अगर बना रहे हैं तो उसमें आप 20 to 25 ग्राम सॉल्ट डाल दीजिए, या सैलिनिटी इस तरह से मेंटेन करिए कि वो इस रेंज में आ जाए, तो इट विल बी सफिशियंट टू आइसोलेट एल्गी फ्रॉम मैरीन वाटर। फिर ग्रोथ डायनामिक्स, जैसे हम हर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ डायनामिक्स देखते हैं माइक्रोब्स का, उसी तरह से एल्गी भी वही ग्रोथ डायनामिक्स शो करता है। तो वो जो ग्राफिकल फॉर्म में हम देखते हैं उसको हम ग्रोथ डायनामिक्स कहते हैं, कि अगर हम कल्चर ग्रो कर रहे हैं, कोई एल्गी जस्ट आई है फ्रेश कल्चर पर, तो वो कैसे ग्रो दिखाएगी। एक्सपोनेंशियल फेज में अगर एल्गी है, उस फेज से अगर हम एल्गी को फ्रेश मीडियम पर ला करके ग्रो करते हैं तो लैग फेज कितना रह जाएगा, लॉग फेज कैसे होगा, है ना, और इस तरह से उसका ग्रोथ फेज कैसा होगा और डिक्लाइन किस तरह का, तो उसको स्टडी करने के लिए ग्रोथ डायनामिक्स होती है, ग्रोथ कर्व होता है, उसको देखा जाता है। तो लैग और इंडक्शन फेज एल्गी के लिए कैसा होगा, दिस फेज ड्यूरिंग विच लिटिल इंक्रीज इन सेल डेंसिटी अकर्स इज रिलेटिवली लॉन्ग व्हेन एन एल्गल कल्चर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ प्लेट टू अ लिक्विड कल्चर। प्लेट से प्लेट में अगर वो कर रही है तो वो लैग फेज कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम जो प्लेट में एल्गी ग्रो की है, अगर वो कल्चर पुराना है, पुराने कल्चर से हम लिक्विड कल्चर में ला रहे हैं, तो एल्गी को एक्लिमेटाइज होने के लिए, ग्रो करने के लिए थोड़ा सा वो टाइम लेती है, तो वो लैग फेज लंबा हो जाएगा। लेकिन जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऐसे जगह से हम एल्गी कल्चर को ले रहे हैं, इसी प्लेट में ले रहे हैं जिसमें कि फ्रेश एल्गी ग्रो कर रही है, जिसमें कि वो ग्रोथ के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, वहां से अगर हम इनोकुलम को ले रहे हैं तो बहुत शॉर्ट लैग फेज दिखाती है, विच कैन सीरियसली रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अपस्केलिंग। मतलब मास कल्चर अगर हम करने जा रहे हैं आइसोलेट करने के बाद में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से हम एल्गी को ले रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ यहाँ पर बहुत रैपिड नई कॉलोनी है, रैपिडली ग्रोइंग फेज में है, वहां से हमको आइसोलेट करना चाहिए मास कल्चर के लिए। और द लैग इन ग्रोथ इज एट्रीब्यूटेड टू द फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन ऑफ द सेल मेटाबोलिज्म टू ग्रोथ। कहाँ से हम ला रहे हैं, क्योंकि जो अगर देर हो रही है इसका मतलब ये है कि जहां से हम एल्गी को लाए हैं और फ्रेश मीडियम पे लाने में, उसको अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा है, तभी उसकी प्रॉपर ग्रोथ लेने में वो टाइम ले रही है। सच द एज
such as the increase of the level of enzymes and metabolites involved in cell division and carbon fixation. कोई भी फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से आते ही वो एल्गी तुरंत लैग फेज लंबा दिखा रही है, मतलब कि वो एडप्ट अभी जल्दी नहीं हो पाई है. ये देखिए एज ऑफ कल्चर, किस तरह से कल्चर की एज देख सकते हैं. ये आपकी लैग फेज है, ये फेज कम हो गई जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस वाली स्टेज में अगर एल्गी कल्चर है, इस स्टेज से हम आइसोलेट करके फ्रेश मीडियम में लाएंगे तो ये लैग फेज कम हो जाता है, यहीं से एल्गी आपको ग्रो करना दिखाएगी. और ये जितना बड़ा होगा इसका मतलब कि आपने जहां से एल्गी ली वो पुराना कल्चर था, वो सबस्टेटम पर पुराना कल्चर था, और वो एडप्ट करने में ही, नए मीडिया में लाने में इसमें इसको इतनी देर लगी है. अब यहां से वो ग्रो होगा तो लैग फेज क्या हो गया, लंबा हो गया. कहने का मतलब है कि इस फेज में जब एल्गी हो तभी उसको हमको आइसोलेट करने की कोशिश करनी चाहिए. फिर क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ पर आकर के कुछ न कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स हो जाएंगे, चाहे लाइट होगा, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड होगा, या मीडिया में न्यूट्रिएंट्स होंगे जिसकी वजह से डिक्लाइन हो जाएगी ग्रोथ. ठीक है, फिर आ जाती है एक स्टेशनरी फेज, माने कि जितनी सेल्स डिवाइड कर रही है, जितनी सेल की डेथ हो रही है या स्टेशनरी फेज है उतनी ही डिवाइड हो पा रही है, मतलब एक्सेस नई सेल कुछ नहीं बन पा रही है, तो इसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेज, है ना. नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती चली गई, फिर यहाँ पर एक आया कि जितनी सेल बन रही है उतनी ही डिके भी कर रही है, तो क्या हो गया, स्टेशनरी फेज हो गया. और फिर एकदम से न्यूट्रिएंट्स घट जाएंगे तो क्या हो जाएगी, वो सेल डेथ हो जाएगी, तो डेथ फेज हो गई. तो इस तरह से इसका ग्रोथ डायनेमिक्स है या ग्रोथ कर्व है. एक्सपोनेंशियल फेज माने कि ड्यूरिंग द सेकंड फेज द सेल डेंसिटी इंक्रीजेस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू अ लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना. इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल फेज में बढ़ेगा. फेज ऑफ डिक्लाइन माने कि सेल डिविजन स्लोस डाउन व्हेन न्यूट्रिएंट्स, लाइट, पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स बिगिन टू लिमिट फैक्टर. कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होगा जो लिमिटिंग फैक्टर की तरह से काम करेगा. और स्टेशनरी फेज का मतलब कहने का है इन द फोर्थ स्टेज द लिमिटिंग फैक्टर एंड द ग्रोथ रेट आर बैलेंस्ड विच रिजल्ट इन अ रिलेटिवली कांस्टेंट सेल डेंसिटी. डेथ और क्रैश फेज ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज वाटर क्वालिटी डिटेरियोरेट्स एंड द न्यूट्रिएंट्स आर डिप्लीटेड टू अ लेवल इनकैपेबल ऑफ सस्टेनिंग ग्रोथ. Cell density decreases rapidly and the culture eventually collapses. अब वो contamination जो आएंगे वो कहाँ कहाँ से आएंगे हमारे कल्चर बनाने के समय में, या मास कल्चर कहिए, या जो हम आइसोलेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, तो contamination with bacteria, protozoa और another species of algae is a serious problem for monospecific or azenic culture of microalgae. The most common source of contamination include the culture medium. कहाँ से आपने लिया है, वही medium, जिस medium से आप लाए हैं, sea water है या fresh water है, या उसमें जितने nutrients है वो खुद एक contamination का काम करेंगे. जो आप air supply कर रहे हैं, है ना, mass culture कर रहे हैं तो आपको air तो देनी है, तो airline जो है, air जहाँ से आ रही है, तो हो सकता है उस air में ही बहुत contaminants हो. तो मास कल्चर करते समय या बैच कल्चर या कंटिन्यूअस कल्चर, जो भी हम कल्चर करते हैं लार्ज स्केल पर, तो उसके लिए जो एयर सप्लाई होती है उसमें फिल्टर्स लगे होते हैं, वो फिल्टर्स कंटामिनेंट्स को रोक देते हैं. अगर ऐसी फ्रेश एयर आप सप्लाई करेंगे एनवायरनमेंट से, तो वो अपने आप में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स और कंटामिनेंट्स को लेकर के जाएगी, और वो एल्गल कल्चर जो होगा वो कंटामिनेशन लिए होगा, और कल्चर वेसल एंड स्टार्टर कल्चर. ठीक है, sea water used for algal culture should be free of organisms that may compete with the unicellular algae such as other species of phytoplanktons, phytophagus, zooplanktons or bacteria. Sterilization of the sea water by either physical filtration, autoclaving, pasteurization, UV irradiation or chemical methods is therefore required. थोड़ा सा उसको sterilize कर लीजिए जिस वाटर से आपको, या जिस सी वाटर को आपको यूज करना है एल्गल कल्चर के लिए. अगर उसी वाटर को जिससे आपको सैंपल कलेक्ट करना है उसको स्टेरिलाइज करेंगे, तब तो सारे एल्गी उसकी मर जाएगी. अगर उस सी वाटर को आपको एक मीडिया की तरह से काम करना है, तब उस सी वाटर को अगर यूज करने जा रहे हैं, तो इस तरह के प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा जिससे कि वो स्टेरिलाइज हो जाए.
Water treatment is not required when using underground salt water obtained through boreholes. This water is generally free of living organism and may contain sufficient mineral salts to support algal culture without further enrichment. In some cases, well water contains high levels of ammonia and ferrous salts, the latter precipitating after oxidation in air. एयरलाइन मैंने बताया ना, जो आप एयर उसको देंगे तो उसमें जो कंटामिनेशन होंगे वो भी उसको कंटामिनेट करेंगे, ज्यादातर उसमें सिलिएट्स आते हैं. फॉर दिस रीजन एयरलाइन शुड बी केप्ट ड्राई एंड बोथ द एयर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी फिल्टर्ड थ्रू एन इनलाइन फिल्टर. फिल्टर लगे होते हैं, मैंने भी बताया था, 0.3 और 0.5 मिली माइक्रोन के फिल्टर्स लगे होते हैं जब एयर की सप्लाई की जाती है कल्चर के लिए. तो उस तरह से फिल्टर करके ही हम एयर को या कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे. फॉर लार्जर वॉल्यूम्स ऑफ एयर फिल्टर यूनिट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग कॉटन एंड एक्टिवेटेड चारकोल. बताऊंगी अभी किस तरह से. हाँ, ये देखिए आगे फिगर. जैसे कल्चर में जो एयर सप्लाई आप इस तरह से करेंगे तो एयर की एंट्री यहां से इस एयर को फिल्टर कर दिया जाएगा. यहाँ पर कॉटन लगा हुआ है, कॉटन से कर दीजिए कुछ पॉल्यूटेंट्स या कंटामिनेंट्स इधर फिल्टर हो गए, फिर एक्टिवेटेड चारकोल के थ्रू जाएगी है, फिर उसके बाद में कॉटन लगाए. इस तरह से ये एयरलाइन का एयर का फिल्ट्रेशन करने के बाद में एल्गल कल्चर को जो एयर देंगे वो एकदम फ्री होगी, उसमें कंटामिनेशन नहीं होगा. तो एयरेशन फिल्टर कहेंगे इसको. तो एक जनरलाइज्ड सेट ऑफ कंडीशंस क्या है एक एल्गी को ग्रो करने के लिए. फॉर कल्चरिंग माइक्रो एल्गी टेम्परेचर रेंज 16 to 27, ऑप्टिमम 18 to 24, सैलिनिटी 12 to 40 ग्राम पर लीटर एंड ऑप्टिमम 20 to 24 ग्राम पर लीटर. लाइट इंटेंसिटी मैंने बताया था, वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी, फोटो पीरियड भी डिपेंड करेगा 16 to 8 hours या 24 hours मैक्सिमम, पीएच रेंज 7 to 9, ऑप्टिमम 8.2 to 8.7. देखिए कंपोजिशन है मीडिया का, कंपोजिशन आप देख लीजिए, ये है, नोट कर लीजिएगा, है ना, एक एक करके बहुत लंबा खिंच जाएगा, बहुत सारे मीडिया है. मैं छोड़ दूं मीडिया, आप लोग नोट कर लेंगे ना. यस मैम, नोट कर लेंगे, है ना. हाँ, आज ही खत्म करना है सारा कुछ, तो बहुत लंबा हो जाएगा. मैम जो इम्पोर्टेंट हो मैम उसे कवर करा देंगे, बस वही इम्पोर्टेंट कवर. इम्पोर्टेंट तो सभी है ना, अलग अलग एलगी के लिए मैम, बट जो ज्यादा है जो हम लोग नहीं समझ पाएंगे ये तो देख भी लेंगे ना. तो ये हाँ, ये तो तुम देख लोगे, समझ में आ जाएगा. यस मैम, कंपोजिशन मैं छोड़ दे रही हूँ, ठीक है. यस मैम, अब ये टेक्निक्स कुछ एक है जो कि उसको हम बता देंगे, बता देने से जल्दी वो दिमाग में चला जाता है. आइसोलेशन ऑफ एल्गी फ्रॉम सॉइल बेड, देखिए सीरियल डाइल्यूशन आप पढ़ चुके हैं, है ना, आपको कुछ सॉइल है ना, इसको हम नहीं बता रहे हैं. सीरियल डाइल्यूशन से आप एल्गी को कर लेंगे. ये देखिए सीरियल डाइल्यूशन की प्रोसेस भी लुई पाश्चर ने दी थी, और यूनि एल्गल कल्चर की डेफिनेशन और एजेनिक कल्चर भी इन्होंने बताया था. यूनि एल्गल कल्चर मीन्स द कल्चर हैविंग वन काइंड ऑफ एल्गा यूजली क्लोनल पॉपुलेशन बट मे कंटेन बैक्टीरिया फंजाई और प्रोटोजोआ. और जो सीरियल डाइल्यूशन उन्होंने लुईस पाश्चर ने ही बताया था, स्टेप वाइज डाइल्यूशन है स्टॉक सैंपल से 100-fold, हर बार आप डाइल्यूट करते चले जाते हैं, ठीक है, इस तरह से करते हैं. पहले कई बार आ चुकी है वाली बात, इसको स्किप कर रहे हैं. आइसोलेशन इन अगार, कोकोइड सेल्स जैसे होते हैं ना, स्फेरिकल सेल्स, कोकोइड सेल्स माने कि स्फेरिकल एल्गी जिनकी सेल की होती है, और या डायटम्स को आप अगार पर ग्रो करते हैं. तो आफ्टर अगार कल्चरिंग अ माइक्रोपिपेट टिप इज ड्राइवन इनटू द अगार टू पिक अप द सिलेक्टेड सेल्स एंड देन डिस्चार्ज इनटू अ लिक्विड कल्चर मीडियम. वही सिंगल सेल आइसोलेशन की जो बात मैंने कही थी, उसी तरह से आप किसी भी प्रोसेस से सिंगल सेल को ले लीजिए और अगार प्लेट पर ला करके छोड़ दीजिए, तो वो आपको एक नया कल्चर एल्गी का देगा. तो दिस टेक्निक क्या था, सो वी यूज टू गेट एजेनिक कल्चर बाय रिपीटेड ट्रांसफर बाय यूजिंग अगार पोर टेक्निक. तो जनरल माइक्रो मैनिपुलेशन, ये सिंगल सेल को लेकर के फ्रेश प्लेट पर ले जाना और बार बार उसको डाइल्यूट करते जाना, उसको माइक्रो मैनिपुलेशन कहते हैं, है ना. इसको भी मैं फिगर से समझा देती हूँ, इसमें फिगर है, जैसे ये है ना, ये इनरिचमेंट सैंपल है, आपने जो सैंपल कलेक्ट किया था उसको आपने इनरिच कर दिया था, या फिर कोई मिक्स्ड पॉपुलेशन लैब में ही थी उसी में से आपको डिजायर्ड सैंपल को सेपरेट करना है. इसमें मीडियम और सैंपल है,
इसमें वो मीडियम है जो आपने बनाया है ना, जो मीडियम है या और भी बहुत सारे मीडियम है, डिपेंड करना है कि कर रहा है कि आप ब्लू ग्रीन एल्गी ले रहे हैं या ग्रीन एल्गी ले रहे हैं, उसके हिसाब से आप मीडियम को सेलेक्ट कर लीजिए। और इसमें ये तो सैंपल है, अब यहाँ पर आप बहुत सारे पेट्री प्लेट भी यूज कर सकते हैं या फिर ग्लास स्लाइड भी यूज कर सकते हैं। एक ग्लास स्लाइड लिया आपने, ये सैंपल को निकाल के इसमें रख लिया, वही मैंने बताया था जो ग्लास कैपिलरी यूज करनी है या पास्चर पिपेट यूज करना है या माइक्रो पिपेट यूज करना है, तो सबसे इफिशियंट होते हैं आपके ग्लास कैपिलरीज। ग्लास कैपिलरीज बनी हुई भी आती है मार्केट में और खुद से भी आप लैब में बना सकते हैं। इसमें आपका सैंपल आ गया और यहाँ पर आपका न्यू मीडियम है ये वाला, इसमें मीडिया। अब यहाँ पर आप कैपिलरी से सक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर कैपिलरी से आपने इसको सक कर लिया है और सक करने के बाद में एक बूंद आप इस मीडियम पर लाके उसे डाइल्यूट कर देंगे। अब उसमें से जो डाइल्यूटेड पोर्शन होगा, हो सकता है कई एल्गी कई एल्गल सेल आ गई हो, इसमें डाइल्यूट करेंगे, फिर इसमें से फ्रेश कैपिलरी, इसको हटा दीजिए, फ्रेश कैपिलरी लीजिए, फिर सक कीजिए, फिर इसमें डालिए, फिर इसमें से सक करिए, फिर इसमें डाल, तो इस तरह से उसको डाइल्यूट करते जाइए नए मीडियम पर। और फिर बाद में आपको जरूरत हो तो हर एक ड्रॉप से ले ले करके आप एल्गी को पेट्री प्लेट पे हर जगह से डाइल्यूटेड फॉर्म में कल्चर कर सकते हैं, तो फाइनली आपको एक यूनी एल्गल कल्चर मिल जाएगा, है ना। रिमूव अ सिंगल सेल फ्रॉम एन एरेस्ट सैंपल टू ड्रॉप ऑफ न्यू मीडियम बाय माउथ माइक्रो पिपेटिंग, वॉश सिंगल सेल बाय ट्रांसफरिंग टू अनदर ड्रॉप ऑफ न्यू मीडियम, ठीक है। फिर प्लेस सिंगल सेल इन न्यू मीडियम इन पेट्री डिश में रख दीजिए, टिश्यू कल्चर या इस तरह से आप उसको सेपरेट, तो इसको कहा जाता है माइक्रो मैनिपुलेशन प्रोसेस। माइक्रो मैनिपुलेशन माने ये कोशिश है कि एक ही सेल हमारी आए जिससे हमें यूनी एल्गल कल्चर मिल जाए। फिर स्ट्रीक प्लेटिंग बिल्कुल वैसी है जैसे हम बैक्टीरिया और फंजाई के लिए करते हैं, उसी तरह आप सॉयल का या सॉयल सैंपल को डाइल्यूट कर लीजिए सीरियल डाइल्यूशन से और यहाँ पर प्लेस कर दीजिए पूरा मटेरियल और उसके बाद में स्ट्रीकिंग कर लीजिए, या स्ट्रीकिंग इस तरह से करिए, फिर इसको हटा दीजिए, दूसरा फ्रेश लूप लीजिए या इसको स्टेरिलाइज कर लीजिए, फिर यहाँ पर स्ट्रीकिंग कीजिए, फिर इधर स्ट्रीकिंग करिए, फिर उसको हटा, मतलब हर स्ट्रीकिंग के बाद में आप नया लूप लेते जाइए और हर एक एरिया में हल्का से इसको टच किया, स्ट्रीक कर लिया, फिर इस तरह से आप स्ट्रीकिंग बहुत बार देख चुके हैं, इस तरह स्ट्रीक मेथड से भी एल्गी को आइसोलेट कर सकते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रीकिंग है, कंटिन्यूअस स्ट्रीकिंग पूरी प्लेट पर आपने एक बार स्ट्रीकिंग करके हटा दिया, फिर दोबारा नहीं करना है। फिर पैरेलल स्ट्रीकिंग है, मीडियम सैंपल यहाँ पर था, एक बार ऐसे कर लिया, हटा दिया, फिर उसको इस तरह से फैला दिया, तो इसको कहते हैं टी पैरेलल स्ट्रीकिंग। क्वाड्रेंट स्ट्रीकिंग इस तरह से है ना, और पैरेलल स्ट्रीक्स इस तरह से आप कर लिया, तो इस तरह से डिफरेंट तरीके से आप स्ट्रीकिंग करके एल्गी को आइसोलेट कर सकते हैं। फिर एक बहुत बढ़िया मेथड है, दैट इज स्प्रेइंग, इस तरह से आप फंजाई को नहीं आइसोलेट कर रहे थे। इस टेक्निक में भी क्या होता है, इसको भी हम पूरा नहीं पढ़ते हैं, हम फिगर पे चले जाते हैं ये, ठीक है। इसमें देखिए है क्या, उसी तरह की एक ग्लास कैपिलरी है ना, एक ग्लास कैपिलरी, दो ग्लास कैपिलरी ले लेते हैं, एक ग्लास कैपिलरी ये है जो कि हमारे सैंपल पे डिप है, इस ग्लास कैपिलरी को हमने सैंपल में डिप कर दिया है, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में सैंपल है, सैंपल में हमने एक ग्लास कैपिलरी को डिप कर दिया है, और एक ग्लास कैपिलरी को हमने इस ट्यूब में इंसर्ट कर दिया है और यहां से कंप्रेस्ड एयर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब क्या होगा, आपको पता है ना कैपिलरी एक्शन तो पढ़ा है ना, कि कैपिलरी एक्शन जब लिक्विड में किसी कैपिलरी को डालो तो कैपिलरी एक्शन से लिक्विड को सक करती है, तो जो सैंपल है वो सैंपल यहाँ पे सक करके आएगा और ये जो ग्लास कैपिलरी है से एयर आ रही है, एयर करंट आ रही है, ये एयर करंट यहाँ पर क्या करेगी, वैक्यूम क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से लिक्विड प्लस एल्गल सेल्स डिस्पर्स होंगी। अब इन लिक्विड और एल्गल सेल्स को हमको कैच करना है, कहाँ कैच करना है, यहाँ पर आपका अगार प्लेट लगी हुई है, यहाँ पर अगार प्लेट को फिक्स कर दिया जाता है, तो
तो ये जो स्प्रे है ये आकर के अगार प्लेट पर लग रहा है, एल्गल सेल्स यहाँ पर कलेक्ट हो रही है ना। तो इस मेथड को कहते हैं स्प्रेइंग। फिर इस एल्गल प्लेट को क्या कर लिया जाता है, इनक्यूबेट कर लिया जाता है। तो इनक्यूबेट करके आपको अलग अलग एल्गल कॉलोनीज मिल जाएंगी, और फिर उन एल्गल कॉलोनीज को फिर आप चाहे सिंगल सेल मेथड, सिंगल माइक्रो मैनिपुलेशन कर ले, या स्ट्रीक कर ले, या सीरियल डाइल्यूशन करके आप सेपरेट कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है जिसको कि हम स्प्रेइंग कहते हैं। इस स्प्रेइंग मेथड को और भी ऑटोमेटेड कंडीशन में भी आजकल बहुत यूज किया जा रहा है लेबोरेटरीज में। वही चीज देखिए है, ऑटोमाइज्ड सेल स्प्रे टेक्निक। इसमें क्या करते हैं, वही टेक्निक है सेम जो मैंने अभी आपको बताई है। इन दिस मेथड अ फाइन ऑटोमाइज्ड स्प्रे, हाथ से नहीं ऐसे नहीं करते हैं, सब चीज मैकेनिकल होता है। ऑटोमाइज्ड स्प्रे ऑफ सेल्स इज मेड टू एडहेयर ऑन टू द अगार सरफेस। दिस इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ सैंपल इंजेक्टर एंड स्टेराइल ऑटोमाइज्ड एयर स्प्रेयर ऑफ कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसमें क्या है, एक इंजेक्टर है वो भी मैकेनाइज्ड है, ऑटोमाइज्ड है, ऑटोमेटिक इंजेक्टर भी होगा और ऑटोमेटिक एयर स्प्रेयर होगा। एक पर्टिकुलर प्रेशर पर वो एयर प्रोड्यूस करेगा और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर वो सैंपल को इंजेक्ट करेगा, है ना। तो द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन अ स्टेराइल हुड एंड द इनोकुलेटेड प्लेट्स आर इनक्यूबेटेड। अब उसी तरह से मटेरियल एल्गल सैंपल आ रहा है और एयर प्रोड्यूस हो रही है, सैंपल स्प्रे हो जा रहा है। किस पर स्प्रे हो जा रहा है, अगार प्लेट्स पर हो जा रहा है। आ गया सैंपल, आपका इनोकुलेशन हो गया इस तरह से एल्गी सेल से। अब आप उसको इनक्यूबेट कर दीजिए, 2 to 4 weeks इनक्यूबेट कर दीजिए। फिर इस स्ट्रीक प्लेट टेक्निक तो आप जान ही रहे हैं, है ना। ये देखिए ऑटोमाइज्ड सेल स्प्रे टेक्निक, है ना। ये देखिए, ये है इनरिच्ड सैंपल रिजर्वायर, ए और बी दो रिजर्वायर है, लिक्विड इंजेक्टर है, ऑटोमेटेड इंजेक्टर होगा, ऑटोमाइज्ड एयर स्प्रे गन है, है ना। और ये ड्रॉपलेट्स है, मीडिया यहां से आ रहा है, यहाँ पे लिक्विड मीडिया भी है और एल्गल सेल्स भी है। एल्गल सेल्स अलोंग विद द लिक्विड मीडिया दे फॉर्म द ड्रॉपलेट्स। दीज ड्रॉपलेट्स कैन बी कॉट ऑन द सर्फेस ऑफ द अगार सर्फेस, और ये पेट्री प्लेट है। अब इन पेट्री प्लेट को आपने जब इनक्यूबेट कर दिया तो आपको क्या है, एल्गी दिखेगी। एक वीक में इस तरह से हल्के दिखेगी और 3 weeks में आपको इस तरह से अलग अलग कॉलोनीज दिख जाएंगी। अगर ये मिक्स्ड पॉपुलेशन है तो फर्दर आप अलग अलग मेथड से इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये है ऑटोमाइज्ड सेल स्प्रे टेक्निक। फिर देखिए एक और है, सेंट्रीफ्यूज वॉशिंग टेक्निक। दिस टेक्निक इन्वॉल्व 5 to 6 सक्सेसिव सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ स्टॉक सैंपल। स्टॉक सैंपल को 5 to 6 times अलग अलग तरह से अगर आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सेंट्रीफ्यूज वॉशिंग टेक्निक, मतलब जो सैंपल था उसको सेंट्रीफ्यूज करके हम बार बार सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सुपरनेटेंट में हमारे बैक्टीरियल सेल्स या और कंटामिनेंट लगातार बाहर आते रहेंगे साइज के हिसाब से। और अगर ग्रेडियंट को यूज कर लेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए तो डिफरेंट बैंड्स में हमको मिल जाएगी। तो ईच सेंट्रीफ्यूगेशन इज फॉलोड बाय रीसस्पेंशन ऑफ पैलेट्स इन फ्रेश वाटर। उसमें एक बार सेंट्रीफ्यूज किया, पैलेट बन गए, फिर उसी पैलेट को लेके फिर आप सेंट्रीफ्यूज करिए, आरपीएम बढ़ा दीजिए, टाइम बढ़ा दीजिए, फिर आपको पैलेट मिला उसको लेकर के फिर आप नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन करिए, टाइम और आरपीएम को चेंज करते हैं। 3-4 times आप सक्सेसिव सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो आपको एक यूनिएल्गल कल्चर मिलने का चांस बनता है। फिर माइक्रो मैनिपुलेशन और कैपिलरी पिपेट एस्पिरेशन बता दिया मैंने, उसी तरह से उसी को रिपीट किया है। ये देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन है ना, यहाँ पर देखिए सेंट्रीफ्यूज वॉशिंग टेक्निक। 100 ml ऑफ एनरिचमेंट सैंपल्स है, सेंट्रीफ्यूज एट 3000 RPM फॉर 15 minutes। सस्पेंड द पैलेट इन फ्रेश स्टेराइल वाटर, होमोजेनाइज्ड एट 1000 to 1500 यूजिंग वॉर्टेक्स मिक्सचर। Then centrifuge again at 3000 RPM for 15 minutes. है ना, जो पैलेट था उसको vortex कर दिया जाता है जिससे कि उसके cells जो पैलेट में चिपक गई होंगी उनको हटाने के लिए आपने vortex को यूज किया। फिर vortex से जब cells अलग हो गई उसके बाद में आप उसको centrifuge कर रहे हैं।
इसको इसी प्रोसेस को आप 6 टाइम्स रिपीट करेंगे और रिपीट करने के बाद में जो मटेरियल मिलेगा उसको आप स्ट्रीक कर लीजिए, है ना, स्ट्रीक कर लीजिए या सीरियल डाइल्यूशन कर लीजिए, तो आपको यूनिएल्गल कल्चर मिल जाएगा। ये है कैपिलरी पिपेट एस्पिरेशन, है ना, ये इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं जिससे कि कैपिलरी, ये देखिए इसमें क्या होता है कि सिंगल सेल आइसोलेट करने के लिए माइक्रोस्कोप है, ठीक, ये माइक्रोस्कोप है और यहाँ पर आपका एल्गल कल्चर है, एल्गल कल्चर में एल्गी की सेल्स है और ऑटोमेटिक इस तरह से कैपिलरी है जो कि आकर के आपके सेल को, एक एक सेल को सेपरेट कर लेगी, उठा करके नए कल्चर में डाल देगी। तो ये ऑटोमेटेड तरीके हैं। ये पाश्चर पिपेट है, मैंने बताया ना पाश्चर पिपेट इस तरह से ड्रॉपर से होता है, सिलिकॉन बल्ब लगे होते हैं जो पिपेट की तरह से, इसको पिचकाएंगे तो एयर घुस जाएगी, इसमें एल्गी आ जाएगी और आप इसको सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पर भी एल्गल सेल को उस ऑटोमेटेड कैपिलरी की हेल्प से उठाया जा रहा है, ऊपर से आप उस एल्गल सेल को देख पा रहे हैं, माइक्रोस्कोप है ऊपर, आप देख पा रहे हैं कि कौन सी एल्गी को हमें कहाँ पकड़ना है। फिर फ्लो साइटोमेट्री विद एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग टेक्निक, देखिए कितनी एडवांस्ड टेक्निक्स है कि हमको पता है कि उस कल्चर में कितने तरह की एल्गी है, उनमें क्या क्या पिगमेंटेशन हो सकता है, उस हिसाब से हम उनको लाइट प्रोवाइड करते हैं और उस डिफरेंट जो लाइट यूज करेंगे उसके फ्लोरेसेंस से अलग अलग कलर प्रोड्यूस होंगे और उस कलर के बेस पर हम डिफरेंट एल्गीज को अलग अलग वेल्स में सेपरेट कर लेते हैं। तो ये फ्लो साइटोमेट्री का प्रिंसिपल है। फ्लो साइटोमेट्री का प्रिंसिपल क्या है कि द सेल सेपरेशन प्रिंसिपल हेयर इज बेस्ड ऑन ऑटो फ्लोरेसेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स। भाई एल्गी में अलग अलग पिगमेंट्स भी है ना, केवल क्लोरोफिल है ये तो है नहीं, किस ग्रुप में किस तरह के साइड पिगमेंट्स है, कैरोटीनॉइड्स है या अलग किस किस तरह के कैरोटीनॉइड्स है, इस पर डिपेंड करते हुए हम एक लाइट प्रोवाइड करेंगे। देखिए लेजर बीम है, लेजर बीम यहाँ से हम प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ से सैंपल का सैंपल यहाँ से गिर रहा है। अब इधर तो शीथ वाला मटेरियल आ रहा है और बीच से आपके एल्गल सेल का मटेरियल आ रहा है। अब यहाँ पर डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, यहाँ से लेजर बीम आ रही है, उस डिटेक्टर से हम समझ पा रहे हैं कि एक कितने तरह की एल्गल सेल्स इसमें आ रही है ना, वो लाइट शो कर रही है। तो एक कलर की एक कर दिया है ना, डिफरेंट समय पर डिफरेंट भी कर सकते हैं, एक समय पर एक तरह की एल्गी को भी इस तरह से मैकेनिकल वे से आप मशीनों से सेपरेट कर सकते हैं। हेयर इट इज पॉसिबल टू डिस्क्रिमिनेट एंड कलेक्ट एल्गी विद डिफरेंट पिगमेंट्स यूजिंग डिफरेंट माइक्रोवेल्स कलेक्शन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। अलग अलग टाइम इंटरवल पर आप यहाँ पर सेपरेट कर पा रहे हो उनके कलर्स को देख करके जो फ्लोरिसेंस कलर दे रहे हैं। सेल्स कंटेंड इन ईच माइक्रोवेल आर प्लेटेड ऑन अगार मीडियम एंड आर इनक्यूबेटेड। इसको आप अलग इनक्यूबेट करिए, इसको अलग, इस तरह से। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ फ्लो साइटोमेट्री विद एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग। इसमें भी देखिए वही है, लेजर बीम है, डिटेक्टर्स लगे हुए हैं और ये यहाँ से बीम आ रही है, फ्लोरिसेंट सेल्स का कलर देख करके हम अलग अलग समय पर अलग अलग सेल्स को कलेक्ट कर ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, बोर्ड्स का मीडियम है, ज्यादा ये सब यूज होते हैं, चूज मीडिया है, बेनेक्स ग्रोथ मीडिया है, चू नंबर 10 मॉडिफाइड है, प्रिंक्शम्स ब्रॉथ है, बिजरिंग्स मीडिया है। किस तरह बनाया जाता है इसमें देखिए, ये स्टॉक के फॉर्म में है, रिएजेंट्स है, तीन तरह के स्टॉक बनाने हैं आपको, रिएजेंट स्टॉक 1, स्टॉक 2 और स्टॉक 3। तो स्टॉक 1 में कितने केमिकल्स हैं वो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, स्टॉक 2 में फिर कौन से रिएजेंट्स है, स्टॉक 2 में केवल एक है, स्टॉक 3 में इतना है। अब ये मीडियम बनाने के लिए आपको स्टॉक 1, स्टॉक 2 और स्टॉक 3 को मतलब मिक्स करना होगा पर लीटर, एक लीटर पूरा वॉल्यूम हो जाए, स्टॉक 1 के कंपोनेंट्स 100 ml रहेंगे, स्टॉक 2 के 40 ml और स्टॉक 3 के 60 ml रहेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 1 ml होंगे। जब इन सबों को आप कलेक्ट कर लेंगे तब आपका बिजरिंग मीडिया बनेगा, वो प्रोसेस वही है जो हमने फंजाई में मीडिया बनाने की प्रोसेस की थी। फिर एलन एंड एनॉन्स मीडियम मॉडिफाइड, ये सब आप देख लीजिएगा, एएसएम 1 मीडियम है ना। तो आइसोलेशन के लिए एल्गी के आइसोलेशन का कंक्लूजन एंड डिस्कशन क्या हुआ कि आइसोलेशन ऑफ एल्गी फ्रॉम सॉयल एंड वाटर एंड
मेंटेनेंस ऑफ एल्गल कल्चर आर इसेंशियल व्हेन कंडक्टिंग कंपिटिटिव स्टडीज बायो एसेज डिटर्मिनेशन ऑफ देयर इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज. Study of isolation, identification and characterization of aquatic algae is very important for mass cultivation. आपके सिलेबस में ये भी है, mass cultivation necessary for environmental, clinical and industrial needs such as biofuel, pigments, single cell production, elimination of eutrophication etc. Algal isolates from soil encompasses the study of nitrogen fixation, endospore survival, etc., that are more or less involved in preventing soil erosion and to enrich the soil microbial population. इतना तो था isolation वाली बात जो बहुत ही short करके मैंने आपको बताई. फिर इस syllabus में आपके types of culture क्या है, जो algae आप grow कर रहे हैं ये तो laboratory के अंदर था. अगर आपको large scale में algae को grow करना है तो उस culture को आप किस तरह से करेंगे. तो देर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ कल्चर मेथड्स, रफली दो तरह के हैं. देर आर टू बेसिक मेथड्स ऑफ कल्चरिंग एल्गी. एक को कहा जाता है बैच कल्चर और एक को कहा जाता है कंटिन्यूस कल्चर. ये है आपका बैच कल्चर. बैच कल्चर माने कि आपने कल्चर को डाल दिया और मतलब एल्गी में मीडिया है, मीडिया के बाद में आपका एल्गी का सैंपल डाल दिया जिसको कि आपको ग्रो करना है और फिर उसको आप छोड़ दे रहे हैं. उसमें ना मीडिया अलग से डाल रहे हैं, ना जो पुरानी एल्गी है उसको अलग कर रहे हैं और ना ही फ्रेश एल्गी डाल रहे हैं, ना फ्रेश मीडिया डाल रहे हैं. तो इस तरह का जो कल्चर होता है उसको हम बैच कल्चर कहते हैं. और एक कंटिन्यूस कल्चर होता है जिसमें कि आप फीड डाल रहे हैं, न्यूट्रिएंट, फ्रेश न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं और जो पुरानी एल्गी है या पुराना मीडिया है उसको जिस रेट में ये डाल रहे हैं उसी रेट में उसको हटा दे रहे हैं. तो इस तरह के कल्चर को हम कंटिन्यूअस कल्चर कहते हैं. तो डिटेल अबाउट बैच कल्चर. इन दिस मेथड एल्गल सेल्स आर अलाउड टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस इन अ क्लोज कंटेनर, क्लोज सिस्टम इन विच देयर इज नो इनपुट और आउटपुट ऑफ मटीरियल. ना हमने डाला उसमें मीडिया, ना हमने पुराना मीडिया निकाला, ना हमने नया एल्गल कल्चर डाला और ना ही पुराना एल्गल कल्चर निकाला. तो इस तरह के कल्चर प्रोसेस को हम बैच कल्चर कह रहे हैं. द एल्गल पॉपुलेशन सेल डेंसिटी इंक्रीजेस. अब नेचुरल है, मीडिया है, सेल्स है, डेंसिटी तो इंक्रीज करेगी और एक कॉन्स्टेंट पॉइंट पर जाकर के कॉन्स्टेंटली until the exhaustion of some limiting factor while other nutrient components of the culture medium decreases over time. When that nutrient is exhausted, their growth stops and eventually they die. खत्म हो जाएगा जितना न्यूट्रिएंट है, जब तक तब तक सर्वाइव करेगा, उसके बाद में खत्म हो जाएगा. These types of cultures typically last for about 1 week. After that, if you wish to continue the culture, you must subculture by adding some cells from the old culture into the flask containing fresh growth medium. अगर आप continue करना चाहते हैं, आपका उससे जो desired mass मिल रहा है तो ठीक है, product जो मिल रहा है तो ठीक है. अगर उसी को continue करना चाहते हैं तो आपको उसका medium हटाना होगा, फिर से आपको नया medium और नया culture डालना होगा उस process को पूरा मतलब रिपीट करने के लिए. तो इसको बैच कल्चर कह दिया. द बैच कल्चर इज मोस्ट कॉमन कल्चर सिस्टम क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत लो कॉस्ट आती है. तो ज्यादातर मास कल्चर जो होता है उसको बैच कल्चर से ही किया जाता है. अब जो आप कल्चर कर रहे हैं मास कल्चर के लिए, पहले आप बहुत छोटे स्केल से शुरू करेंगे. सपोज लेबोरेटरी से हमने शुरू किया तो हम टेस्ट ट्यूब से शुरू किए, फिर उसके बाद में हम आए एर्लेनमेयर फ्लास्क पर आए. एर्लेनमेयर फ्लास्क में भी वैरायटी है, कोई 250 ml का है, फिर 500 ml का है, फिर 1 लीटर का है. तो इस तरह से धीरे 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 जब हम उसका वॉल्यूम बढ़ाते चले जाते हैं तो उसको हम अप स्केलिंग कहते हैं. तो अप स्केलिंग ऑफ एल्गल कल्चर. द अप स्केलिंग ऑफ प्योर स्ट्रेन्स ऑफ सेलेक्टेड स्पीशीज ऑफ माइक्रो एल्गी स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉल कंटेनर्स 0.5 ml and proceeds through various steps up to a mass production in polythene bags. है polythene bags हो या tanks में चला जाता है 1000 liter तक. तो इसको हम कहते हैं upscaling. The size of the inoculum, अब size हम कितना डालेंगे उस inoculum का, उस algal culture का जो हमको cultivate करना है, तो total volume का वो 15 to 20% होगा.
जितनी वॉल्यूम है उस कंटेनर की उसका 15-20% इनोकुलम लिया जाता है। देखिए इसका जो प्रोटोकॉल होता है उसको कैसे फॉलो करते हैं। पहले ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमारा कल्चर था, फिर इसको हमें अप स्केलिंग के लिए जाना है, तो हम इसमें से इनोकुलम को इसके 15-20% इनोकुलम को उस मीडिया में डालेंगे। एक कोनिकल फ्लास्क होगा और दो उसी वॉल्यूम की टेस्ट ट्यूब होगी, ठीक है। फिर इसको भी हमें या इसकी अपस्केलिंग की इस तरह से इसकी अपस्केलिंग करेंगे, तो देखिए इसी साइज के हम दो फ्लास्क लेंगे और उससे फिर एक बड़ा फ्लास्क लेंगे, दो इसके बराबर हो गए, एक इसका बड़ा हो गया। फिर इसकी अपस्केलिंग जब करेंगे तो इसी के साइज के दो बड़े फ्लास्क लेंगे और एक इस तरह का राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे। तो इस तरह से स्कीम जो है बैच कल्चर की इस तरह से फॉलो की जाती है, लोअर डिग्री लोअर कल्चर से लोअर कैपेसिटी से लेकर के हायर कैपेसिटी। फिर इसके बाद में अगर हम टैंक पे जाएंगे तो इसके दो इसमें से दो को रेप्लीकेट करेंगे और एक बड़ा टैंकर ले लेंगे। इस तरह से अपस्केलिंग की जाती है, ठीक है। ये देखिए लिखा जनरल स्केलिंग अप प्रोटोकॉल है ना, एक टेस्ट ट्यूब से थ्री टेस्ट ट्यूब या दो बड़ा हो गया, इस तरह इसका प्रोटोकॉल है। यही है, इसी तरह उसी चीज को फिर से दिखाया है, कितने कितने दिन पर कैसे कैसे रखना है, डे वाइज इसको बताया गया है। इनोकुलेशन ऑफ पॉलिथीन बैग फ्रॉम फ्लास्क और फ्रॉम अनदर बैग। प्रिपेयर द बैग आइदर सस्पेंडेड टू अ रॉक और प्लेसिंग इट इनसाइड अ सिलिंड्रिकल फ्रेम मेड ऑफ वायर। इस तरह से रखा है, आप उसको वहां पर रख दीजिए पॉलिथीन बैग्स को। पॉलिथीन बैग्स को स्टेराइज वाटर से भर दीजिए और उसके बाद में फ्री स्पेस रखिए ताकि कि उसमें आप इनोकुलम डाल सके। फिर उसमें पीवीसी ट्यूब से एयरेशन की व्यवस्था रहेगी, तभी तो एयर जाएगा इसके अंदर, है ना, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। और प्रॉपर बबलिंग की भी प्रोसेस हो ताकि उसको आप शेक कर पाए। एड द न्यूट्रिएंट यूजिंग अ ग्रेजुएटेड सिलेंडर एट द यूजुअल रेट ऑफ 1 ml/1 L ऑफ ईच वर्किंग सॉल्यूशन। न्यूट्रिएंट भी डालते जा रहे हैं, एयरेशन की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी और प्रॉपर स्पेस भी रहना है एयर एक्सचेंज के लिए। तो इस तरह से आप पॉलीथीन बैग में मास कल्चर बैच कल्चर के थ्रू कर सकते हैं। सेलेक्ट अ मैच्योर कल्चर दैट विल बी यूज्ड एज इनोकुलम आइदर फ्रॉम अ लार्ज फ्लास्क और फ्रॉम अनदर बैग। इन केस अ फ्लास्क इज यूज्ड एज इनोकुलम पोर द एल्गल कल्चर फ्रॉम द फ्लास्क इनटू द बैग। द इनोकुलम शुड बी अबाउट 15% ऑफ द रिसीविंग वॉल्यूम। If the inoculum comes from another bag, the volume to be transferred should be इतना है receiving. On each bag mark, जितने भी बैग में आपने इनोकुलेशन किया है एलगी का, उस पे आप डेट लिखेंगे, कौन सी एल्गल स्पीशीज है, कहाँ से आपने इनोकुलम को लिया है, बैग से लिया है या फ्लास्क से लिया है, और बैग का सीरियल नंबर। इतनी चीजें करनी पड़ेगी बैच कल्चर से मास कल्चर करने के लिए। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कंटामिनेशन, स्मॉलर बैग्स आर यूजुअली इनोकुलेटेड फ्रॉम फ्लास्क वेयर इज द लार्जर बैग्स आर इनोकुलेटेड फ्रॉम स्मॉलर बैग्स। हमेशा छोटे वाले कंटेनर से आप बड़े कंटेनर को इनोकुलेट करेंगे। दूसरा टाइप का हम देख रहे थे कंटिन्यूस कल्चर क्या है ना, तो कंटिन्यूस कल्चर में कुछ नहीं है, उसी तरह से आप मीडिया देंगे, आप इनोकुलम देंगे, आप एयर देंगे, उसको स्टीर करने की प्रोसेस होगी। लेकिन इसमें होगा दिस मेथड ऑफ कल्चरिंग एल्गी डिफर्स फ्रॉम द बैच कल्चर मेथड इन दैट फ्रेश मीडियम इज एडेड टू द कल्चर एट अ कांस्टेंट रेट एंड ओल्ड मीडिया एंड सम ऑफ द ओल्डर एल्गल सेल्स इज रिमूव्ड एट द सेम रेट। स्टीरिंग के लिए आपने यहाँ पे ब्लेड्स यूज किए हुए हैं, फ्रेश मीडिया अंदर जा रहा है, स्टेराइल एयर अंदर जा रही है। स्टेराइल एयर माने कि यहाँ पर आपको फिल्टर्स यूज करने पड़ेंगे, यहाँ से एयर आउटलेट है, ज्यादा एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड या एक्सेस ये ऑक्सीजन जो होगी वो यहाँ से निकल जाएगी एयर आउटलेट, और ओल्ड स्पेंट जो यूज हो चुका है मीडियम आउट हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह की व्यवस्था अगर है कि लगातार आप फ्रेश मीडियम डाल रहे हैं और ओल्ड मीडियम और एल्गल सेल्स अगर बाहर निकल गए तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस कल्चर। इसमें आपको बार बार इनोकुलेशन देने की जरूरत बार बार नहीं है,
है ना, तो इसको कंटिन्यू, मतलब कि वो पूरा सेटअप आपको बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, एक बार सेटअप कर दिया आप उसमें मीडियम डालते जाइए, एलगी डालते जाइए, पुराने को निकालते चले जाइए, तो इससे आपको इस तरह की प्रोसेस को हम कंटिन्यूअस कल्चर कहते हैं। तो क्या है, द कल्चर देयरफॉर नेवर रन्स आउट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की कभी भी इस तरह के कल्चर में कमी नहीं होगी। As you can imagine, the glassware and tubes for this type of system are much more complex than the simple batch culture. For most classroom exercise, the batch culture system should do the job. However, if you should ever need a constant supply of cells, this system is the best. है ना, जैसे कि आपको मास कल्चर में कोई बाय प्रोडक्ट एल्गी का लेना है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए, उसके लिए कंटिन्यूअस कल्चर सूट करेगा, लेकिन आपको एक स्टडी एकेडमिक पर्पस के लिए उस एल्गल कल्चर को या उसके बाय प्रोडक्ट को स्टडी करना है तो उसके लिए बैच कल्चर सफिशियंट होगा। पार्ट्स ऑफ अ कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम क्या क्या है, देखिए मीडिया है, कंटिन्यूअस मीडिया का रिसोर्स जो होगा मीडिया का एक बड़े कंटेनर में आपने ले लिया है, इसमें एयर आ रही है, क्लैंप से प्रेशर वगैरह आप कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पर आपका एल्गल कल्चर है और जो एक्सेस एल्गल कल्चर है वो यहाँ से निकल जाएगा, सैंपल पोर्ट यहाँ से आप सैंपल डाल सकते हैं, एयर है, लाइट है, लाइट यहाँ से दे रहा है, एयर यहाँ से, अब यहाँ से जब यहाँ पे जब आपने एयर डाली तो यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होगा, इस प्रेशर से ये मीडिया इससे सक होगा और ये सक होके या क्लैंप से आप उसके फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें आया, अब इसमें भी एयर है, इस एयर इसमें जा रही है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा और फिर मीडिया इसमें आ रहा है, एक्सेस अगर सैंपल है या पुराना मीडिया हो गया तो इससे बाहर निकल आएगा, है ना, और ये सब इस तरह से है और लाइट यहाँ से मिली, तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं आपके कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम के। फर्स्ट फ्रेश ग्रोथ मीडियम में stored in a large vessel, आपने देखा air is pumped into the air space in this media vessel, this air pressure will push the medium through the tube which is connected to the culture vessel, clamp allow add medium to the culture vessel, air is also pumped into the culture vessel through a sterile filter, this air passes down the down a long glass tube to the bottom of the culture and bubbles up, bubbling जरूरी क्यों होती है ना, उसमें देखा ना, इसमें यहाँ से एयर डाल रहे हैं और एयर जाकर के नीचे बबल कर रही है ना, और इसको स्टिर कर रहे हैं हम, स्टिर करने से बबल्स होंगे, बबल्स का आना क्यों जरूरी है, इट सप्लाइज कार्बन डाइऑक्साइड टू द कल्चर, एड्स इन सर्कुलेशन एंड एजिटेशन ऑफ द कल्चर, ताकि के हर एक सेल को प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, उसका ऑक्सीजन एक्सचेंज हो जाए और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले, मतलब स्ट्रेटिफिकेशन ना हो जाए पूरे कल्चर का, pressurizes the head space of the culture vessel so as to provide the force to remove an amount of media and cells equal to the volume in flowing media. Right? Jitna volume aayega, utna hi volume uska bahar nikalna hai. The air flowing into the culture vessel flows out through an outflow tube. A fresh medium is added to the culture vessel to the level medium liquid culture. Wahi to nahi hai? When that level reaches the bottom of the outflow tube, old medium and cells flow out of the culture vessel into a waste flask. There is one other glass tube in the culture vessel, the sample port. When you need a sample of cells from the culture vessel, you open the clamp of the sampling port and medium and cells flow out. When you have enough, you reclose the sample port. है ना, सैंपल पोर्ट, उसमें से ही अगर आपको एल्गी का सैंपल कलेक्ट करना है दूसरा सिस्टम चलाने के लिए तो यहीं से आपको फ्रेश एल्गी मिल जाएगी, ये नहीं कि जो एल्गी है वो एकदम पूरी खराब नहीं होगी, यहाँ से आप उस सैंपल एल्गी को रिसीव भी कर सकते हैं। कंटिन्यूअस ग्रोथ के लिए दो तरह ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ, एक तो कीमोस्टेट होता है टेक्निक और दूसरी होती है टर्बिडो स्टेट। तो कीमोस्टेट में कंटिन्यूअस ग्रोथ को एक्सटर्नली कंट्रोल किया जाता है, विग्रस मिक्सिंग होगी और उससे उसकी जो ग्रोथ होगी कंटिन्यूअस कल्चर की ग्रोथ को एक्सटर्नली डिटरमिन किया जाता है, जबकि टर्बिडो स्टेट में उस ग्रोथ रेट को इंटरनली ऑटोमेटेड तरीके से कंट्रोल किया जाता है। देखिए किस तरह से है, कीमोस्टेट मेथड इस तरह से, एयर फिल्टर आ रहे हैं, स्टेराइल मीडियम है, फ्लो रेगुलेटर है, एयर फिल्टर यहाँ से आ रही है, सैंपलिंग आउटलेट्स यहाँ पर आपका कल्चर है,
मैग्नेटिक स्टेरर पर ये लगा हुआ है, इनोकुलेशन पोर्ट है, है? और फिर यहाँ से भी एयर फिल्टर होकर के आ रही है, सैम्पलिंग आउटलेट है, और स्पेंट कल्चर जो है वो इधर जा रहा है, स्पेंट कल्चर बॉटल, कंटिन्यूअस कल्चर बाय कीमो से, मतलब जितनी भी कंडीशन है आप बाहर से उसको कंट्रोल कर ले। एडिशन ऑफ फ्रेश मीडियम टू द वेसल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाएगा, मीडियम इज सबस्ट्रेट लिमिटेड, ओवरफ्लो डिवाइस, मतलब जितनी भी कंडीशन है आप बाहर से उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसको कीमो स्टेट कहा जाएगा। फिर टर्बिडो स्टेट का कहने का मतलब है कि यहाँ पर फोटो सेल्स लगे होते हैं और कुछ सेंसर्स लगे होते हैं जो कि टर्बिडिटी को, यहाँ पर जो टर्बिडिटी होगी उससे वो समझ लेंगे कि कितनी सेल्स इसमें हैं और कितनी सेल की डेंसिटी है और कितना मटेरियल आपको मिल गया है। तो चूंकि इसके कंडीशंस को हम इंटरनली मेंटेन कर रहे हैं तो इस तरीके को हम टर्बिडो स्टेट कहते हैं। इन टर्बिडो स्टेट अ फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस इज यूज टू मॉनिटर द सेल डेंसिटी, फोटो सेल है यहाँ पर, तो सेल की डेंसिटी को मॉनिटर करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस है, और कल्चर किसमें है, वेसल में है। फ्लो रेट इज एडजस्टेड टू मेंटेन कंटेन सेल डेंसिटी इन द कल्चर, है ना, फ्लो रेट को भी एडजस्ट किया हुआ है, और फोटो सेल से हम इसकी टर्बिडिटी को देख करके इंटरनली मेंटेन कर ले, इसलिए इसको टर्बिडो स्टेट कहा गया। सेमी कंटिन्यूस कल्चर भी एक होता है, तो सेमी कंटिन्यूस कल्चर मेथड में क्या है, वो बैच कल्चर की तरह से ही है, लेकिन उसमें क्या है कि कुछ समय के बाद में कुछ एक पोर्शन को आप एल्गल कल्चर को निकाल सकते हैं, फिर थोड़ी देर जितना मास प्रोड्यूस हुआ एल्गी का एक बार में आपने निकाल लिया, फिर उसके बाद में कुछ समय बाद में देखा फिर मास, एल्गल मास इकट्ठा हो गया, उसको निकाल लिया, फिर उसमें थोड़ा सा आप ऐड भी कर सकते हैं। तो जो ये फ्लेक्सिबिलिटी बैच कल्चर की है कि उसमें एडिशन करना और फिर निकालना, उसको हम सेमी कंटिन्यूस कल्चर मेथड कहते हैं। तो क्या है, इसको थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, इसका कंटेंट बहुत जगह नहीं मिल पा रहा है तो इसको आप यूज कर सकते हैं। द सेमी कंटिन्यूस टेक्निक प्रोलॉन्ग्स द यूज ऑफ लार्ज टैंक कल्चर्स बाय पार्शियल पीरियोडिक हार्वेस्टिंग फॉलोड इमीडिएटली बाय टॉपिंग अप टू द ओरिजिनल वॉल्यूम एंड सप्लीमेंटिंग विद न्यूट्रिएंट्स टू अचीव द ओरिजिनल लेवल ऑफ एनरिचमेंट। पूरा नहीं हटा देना, पार्शियली हटाना है, इसीलिए इसको सेमी कंटिन्यूस कह दिया। द कल्चर इज ग्रोन अप अगेन पार्शियली हार्वेस्टेड एक्सेट्रा। सेमी कंटिन्यूस कल्चर मे बी इनडोर्स और आउटडोर्स बट यूजली देयर ड्यूरेशन इज अनप्रेडिक्टेबल, मतलब उतना तो कंट्रोल हम नहीं कर रहे हैं तो इसलिए अनप्रेडिक्टेबल होगा, कंपटीटर्स होंगे, प्रीडेटर्स होंगे, कंटामिनेंट्स होंगे, मेटाबोलाइट्स होंगे जो कि उसके एल्गी की कल्चर को एडवर्सली अफेक्ट करेंगे। कभी अच्छा मास आपको मिल जाएगा एल्गल मास, और कभी आपको अच्छा नहीं भी मिल सकता है, तो अनसर्टेन होगा। सिंस द कल्चर इज नॉट हार्वेस्टेड कंप्लीटली द सेमी कंटिन्यूस मेथड यील्ड्स मोर एल्गी देन द बैच मेथड फॉर अ गिवन टैंक साइज, ठीक है। फिर एक और कल्चर है सिंक्रोनस कल्चर। सिंक्रोनस कल्चर का क्या मतलब है, सिंक्रोनस कल्चर ऐसा कल्चर होगा जिसमें कि सारे सेल्स जो हो वो डिवीजन के एक ही फेज में हो, मतलब सबकी एज एक ही एज हो, तो उस तरह के कल्चर को हम सिंक्रोनस कल्चर कहते हैं। असिंक्रोनस और सिंक्रोनाइज्ड कल्चर इज अ माइक्रो बायोलॉजिकल कल्चर और अ सेल कल्चर दैट कंटेन्स सेल्स दैट आर ऑल इन द सेम ग्रोथ स्टेज। सिंस न्यूमरस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द सेल साइकिल, सम ऑफ देम स्टोकोकेस्टिक रैंडम नॉर्मल और नॉन सिंक्रोनस कल्चर्स हैव सेल्स इन ऑल स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल। हम किसी तरह से ऐसा कल्चर पाले जिनमें कि जितनी भी सेल्स हैं वो सब एक ही ग्रोथ फेज में हो, एक ही सेल साइकिल पे हो, तो उसको हम सिंक्रोनस कल्चर कह रहे हैं। इस तरह का कल्चर कैसे मिलेगा अभी वो भी देखेंगे। ऑब्टेनिंग अ कल्चर विद अ यूनिफाइड सेल साइकिल स्टेज इज वेरी यूजफुल फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च। Since cells are too small for certain research techniques, a synclonous culture can be treated as a single cell. भाई एक एक सेल को निकाल के आप उस पर स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए सिंक्रोनस कल्चर को यूज किया जाता है कि ढेर सारी एल्गी हैं जो कि डिवीजन की एक ही स्टेज पर है, उनको एज ए यूनिट यूज करके उस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स इन द कल्चर कैन बी इजीली एस्टिमेटेड एंड क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कैन सिंपली बी डिवाइडेड इन द नंबर ऑफ सेल्स टू द
टू ऑब्टेन वैल्यूज दैट अप्लाई टू अ सिंगल सेल. Synchronous cultures have been extensively used to address questions regarding cell cycle and growth and the effect of various factors on these. ये हमने जो पहला वाला growth phase देखी थी वही है. किस तरह होती है logarithmic growth. ये है synchronous culture की growth, है ना. माइक्रो ऑर्गेनिज्म का synchronous growth होगी तो वही growth ग्राफ जो है वो इस तरह से हो जाएगा. एक स्ट्रेट लाइन में आने की कोशिश करेगा. लॉग ऑफ नंबर ऑफ सेल्स और टाइम. सिंक्रोनस सेल्स इस तरह से डिवाइड होंगी और रैंडम सेल डिवीजन इस तरह से होगा. ये देखिए सिंक्रोनस ग्रोथ हो रही है और ये ए सिंक्रोनस ग्रोथ. अब कैसे आप सिंक्रोनस ग्रोथ ऐसा कैसे कल्चर करेंगे जिसमें कि सारे सेल्स एक ही एज की हो. तो इसके लिए एक टेक्निक है जिसको कहते हैं हेल्मस्टेटर कमिंग फिल्टर पैड टेक्निक. इसमें क्या किया जाता है देखिए यहाँ पर आप पढ़ेंगे. यहाँ पर होगा आप एल्गल कल्चर, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया या एल्गल कल्चर पास्ड थ्रू द फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर के थ्रू आपने एक एल्गल कल्चर को पास कर दिया. पास करके कहाँ कलेक्ट किया, न्यूट्रिएंट फिल्टर, फिल्टरेशन हो गया. फिल्टर पर आपके क्या आ गई, एल्गी आ गई, है ना. फिर उस फिल्टर को आप इन्वर्ट कर देंगे जिस प्लेट पर या जिस वेसल पे आपका मीडियम रखा हुआ है. उल्टा कर दिया, सारे एल्गल सेल्स इस पे चिपके हुए हैं. अब ये एल्गल सेल्स डिवाइड करेंगे, है ना. ये एल्गल सेल्स डिवाइड करेंगे तो डिवीजन की ये सेम स्टेज में होंगे, सेम स्टेज में होंगे तो इनको आप कलेक्ट कर लेंगे. तो इस तरह से जो फ्रैक्शन आप कलेक्ट करेंगे उसमें सारी की सारी ऐसी सेल्स होंगे जो कि एक ही ग्रोथ फेज में होंगी, ठीक है. इसी को देखिए थोड़ा ऑटोमेटेड टेक्निक है. तो इसमें सेल कल्चर लिया आपने, मेश से वैक्यूम से फिल्टर कर लिया और फिर उस फिल्टर का जो फनल है, फिल्टर का ये फनल होता है, फनल के ऊपर फिल्टर लगा होगा अलग मेश साइज का, इन्वर्ट कर देंगे मीडिया के ऊपर और फिर इससे जो आप फिल्टर फिल्टर करेंगे उसमें सारी वो नई सेल्स होंगे जिनके की डिवीजन एक की एक ही ग्रोथ में थे वो सब. अब मास कल्चर ऑफ एल्गी. एल्गी का मास प्रोडक्शन कैसे होता है. मास प्रोडक्शन के लिए आप आउटडोर प्रोडक्शन भी कर सकते हैं और इनडोर प्रोडक्शन भी करते हैं. तो लार्ज आउटडोर पॉन्ड्स आइदर विद अ नेचुरल बॉटम और लाइंड विद सीमेंट पॉलीथीन और पीवीसी शीट्स हैव बीन यूज्ड सक्सेसफुली फॉर एल्गल प्रोडक्शन. द न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर आउटडोर कल्चर इज बेस्ड ऑन दैट यूज्ड इंडोर. इंडोर में जो आपने कल्चर मीडिया बनाया है उसी कंपोजिशन का आप आउटडोर सप्लीमेंटेशन भी करेंगे. न्यूट्रिएंट का जो सप्लीमेंट बनाएंगे वो सब इंडोर कल्चर या इंडोर मीडियम पर ही डिपेंड करेगा, उसी रेशियो में लेंगे. एग्रीकल्चरल ग्रेड फर्टिलाइजर लेकिन यूज करेंगे जो कि लेबोरेटरी में आपने यूज नहीं किए थे आउटडोर के लिए. कल्चर्स फ्रॉम इंडोर प्रोडक्शन मे सर्व एज इनोकुलम फॉर मोनोस्पेसिफिक कल्चर. इंडोर पॉन्ड या आपने एस्टेब्लिश किया है या लैब में आपका जो भी इनोकुलम रखा है उसको आप आउटडोर के लिए एक इनोकुलम की तरह से यूज कर सकते हैं. फाइटोप्लैंक्टन बूम मे बी इंड्यूस्ड, ब्लूम मे बी इंड्यूस्ड इन सी वाटर फ्रॉम विच ऑल जूप्लैंक्टन्स हैज बीन रिमूव्ड बाय सैंड फिल्ट्रेशन. जूप्लैंक्टन्स माने जितने भी एनिमल प्लैंक्टन्स होंगे, कीड़े मकोड़े, उनको आपको हटा देना है. एल्गल प्रोडक्शन इन आउटडोर पॉन्ड्स इज रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव. भाई करना कुछ नहीं है, बाहर का तालाब है उसमें वो उतना महंगा आपको नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत कम एल्गी के लिए ही वो सूट करेगा, फास्ट ग्रोइंग स्पीशीज के लिए सूट करेगा, क्योंकि हर एक एल्गी जो होगी डिजायर्ड, मैंने बताया कि किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है एक स्पेसिफिक एल्गी को ग्रो करने के लिए. उसको प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, उसको लाइट की इंटेंसिटी प्रॉपर चाहिए, पीएच प्रॉपर चाहिए. तो जो इतने पैरामीटर्स है वो आउटडोर उतने पैरामीटर्स मेंटेन नहीं हो पाते हैं. तो एल्गल प्रोडक्शन आउटडोर कंडीशन में आसान तो है लेकिन कुछ ही स्पीशीज के लिए. ज्यादातर स्पीशीज बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट चाहती हैं जिनको कि हम इंडोर कंडीशंस में ही ग्रो कर सकते हैं. अब आउटडोर अगर कर रहे हैं उसमें प्रीडेटर्स भी आ जाएंगे, पैरासाइट्स भी आएंगे, वीड्स भी आएंगी, बहुत तरह के कंटामिनेशन होंगे.
आउटडोर प्रोडक्शन इज ऑफन कैरेक्टराइज बाय पुअर बैच टू बैच कंसिस्टेंसी एंड अनप्रेडिक्टेबल कल्चरल क्रैशेस. कई कई बार आपका कल्चर बर्बाद हो जाएगा और पॉन्ड्स में पूरी एल्गी खत्म हो जाएगी. वेदर कंडीशंस होंगी, सनलाइट कंडीशंस होगी या फिर वाटर की क्वालिटी डिटेरियोरेट हो जाएगी. एडवांटेज क्या है इस तरह के कल्चर के, ओपन पॉन्ड कल्चर के? वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ ओपन पॉन्ड इज दैट इट इज इजियर टू कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट देन द क्लोज्ड पॉन्ड्स. डिसएडवांटेज, दिस इज पुअर लाइट यूटिलाइजेशन, देयर इज पुअर लाइट यूटिलाइजेशन बाय द सेल्स. इवेपोरेटिव लॉसेस, बाहर पॉन्ड है, इवेपोरेशन हो गए, बहुत तेज गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हुआ, इवेपोरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा. लाइट यूटिलाइजेशन, पता नहीं किस इंटेंसिटी पे हमें चाहिए और उस खुले हुए तालाब में पता नहीं कौन सी इंटेंसिटी की लाइट पेनिट्रेट कर रही है. कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज लेवल क्या है और कितने रिक्वायरमेंट है, वो भी उतने बड़े पॉन्ड में हम फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. तो ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं आपके ओपन पॉन्ड्स के लिए. ये देखिए ओपन पॉन्ड किस तरह से बनाया गया है, पैडल व्हील डाली गई है, फीड आप डाल रहे हैं और हार्वेस्टिंग के लिए सिस्टम लगे हुए हैं, फ्लो है ना, उसी तरह से ओपन पॉन्ड में. क्लोज पॉन्ड सिस्टम क्या होता है? ओपन पॉन्ड का ही एक अल्टरनेटिव है जिसमें कि सारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या होंगी, कंट्रोल्ड होंगी. क्लोज पॉन्ड ज्यादा सुइटेबल होगा क्योंकि वो ग्रीन हाउस की तरह आप उसको मेंटेन करेंगे और जो प्रॉब्लम्स आपके ओपन पॉन्ड सिस्टम से रिलेटेड थे उसको आप कंट्रोल्ड कंडीशन में सॉल्व कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज को आप इसमें ग्रो कर पाएंगे और उनके सीजन वाइज आप टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी को मेंटेन कर पाएंगे. कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन आप मेंटेन कर सकते हैं और एल्गी की ग्रोथ को आप कंट्रोल कर सकते हैं क्लोज्ड वाटर सिस्टम में. लार्ज वॉल्यूम पर देखिए किस तरह से एल्गी को ग्रो किया जा रहा है, मास कल्चर. ये भी देखिए किस तरह से ये ट्यूब्स है, ट्यूब्स में हो रहे हैं, पॉलीथीन बैग में एल्गी का कल्चर हो रहा है और यहाँ पर ये फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क में एल्गी ग्रो कर रही है. इस तरह से देखिए पॉलीथीन बैग्स हैं, बड़ी बड़ी पॉलीथीन बैग्स हैं, उसमें एरेशन की भी पूरी प्रॉब्लम, मतलब एरेशन की भी पूरी सुविधा होगी और लाइट उनको मिल रही है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट है ना. इस तरह से मास कल्चर इससे एल्गी का किया जा रहा है पॉलीथीन बैग्स में, ट्यूबुलर पॉलीथीन बैग्स. अब एक और चीज हम पढ़ते हैं, फोटो बायोरिएक्टर. आपने बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि फोटो बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं. बायोरिएक्टर तो समझते ही होंगे, फोटो बायोरिएक्टर मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ग्रो करें, उनको एक्सप्लॉइट कर पाए जो कि जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक है. तो जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है उनको हम बायोरिएक्टर की तरह से यूज कर सकते हैं विद द यूज ऑफ सन एनर्जी, है ना. सन की एनर्जी को यूज करते हुए या लाइट को, आर्टिफिशियल लाइट है उसको भी यूज करके हम बायोरिएक्टर्स बना सकते हैं. किनको यूज करके? ग्रीन, चाहे वो एल्गी हो, है ना, मॉसेस हो, है ना, तो उन तरह के ऑर्गेनिजम्स को यूज करके अगर हम उनसे हम बायो प्रोडक्ट ले रहे हैं, उनका मास कल्चर कर पा रहे हैं, तो उस चीज को हम फोटो बायोरिएक्टर्स कह देते हैं. देखने बहुत टफ सा टर्म है लेकिन बहुत ईजी है ये कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, उनको हम लाइट प्रोवाइड करें, आइदर नेचुरल लाइट दे या फिर हम आर्टिफिशियल लाइट दे, किसी भी तरह की लाइट दे करके उनके फोटोसिंथेटिक प्रॉपर्टी को यूज करते हुए उनसे बाय प्रोडक्ट ले रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर. तो उस तरह का सिस्टम जो हम बना रहे हैं उसको हम फोटो बायो रिएक्टर कहते हैं. डेफिनेशन देख लीजिए, बायो रिएक्टर इज एन इंस्टॉलेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आउटसाइड देयर नेचुरल, है ना, नेचुरल कंडीशन से अलग ला करके, आउटसाइड देयर नेचुरल बट इनसाइड एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, है ना, नेचुरल कंडीशन में नहीं, उसको हमने आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दिया है. द प्रीफिक्स फोटो पर्टिकुलरली डिस्क्राइब्स द बायो रिएक्टर्स प्रॉपर्टी टू कल्टिवेट फोटो ऑटोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिज्म विच ग्रो ऑन बाय यूटिलाइजिंग लाइट एनर्जी लाइक माइक्रो एल्गी, मैक्रो एल्गी, मॉसेस और साइनोबैक्टीरिया. इट इज अ क्लोज्ड इक्विपमेंट विच प्रोवाइड्स अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एंड इनेबल हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ एल्गी.
फोटोबायोरिएक्टर्स फैसिलिटेट बेटर कंट्रोल ऑफ कल्चर एनवायरमेंट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई वाटर सप्लाई ऑप्टिमल टेम्परेचर इफिशियंट एक्सपोजर टू लाइट कल्चर डेंसिटी पीएच लेवल गैस सप्लाई रेट मिक्सिंग रेम एक्सेट्रा है ना। जितने भी पैरामीटर्स मैंने बताया कि एल्गी को ग्रो करने के लिए चाहिए वो सारे फैक्टर्स वो सारे पैरामीटर्स को कंट्रोल्ड फॉर्म में अगर हम किसी सिस्टम में करें और उस माइक्रो एल्गी को या मॉस को या फिर किसी भी फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को ग्रो करें आर्टिफिशियल कंडीशंस में तो उसको हम फोटो बायो रिएक्टर कहेंगे। तो फोटो बायो रिएक्टर किस तरह से काम करता है। From the feeding vessel, the flow progresses to the pump, which moderates the flow of the algae into the actual tube. The photobioreactor itself are used to promote biological growth by controlling environmental parameters. है ना, ये तो बताया मैंने। The PBR has an inbuilt in-cleaning system that internally cleans the tube without stopping the production. Cleaning system भी उसमें maintain रहेगा कि माना कुछ unwanted चीज है, dead algal portion है या contaminants है या excessive carbon dioxide या कोई कुछ भी है तो उसकी cleaning की भी उसमें bioreactors में व्यवस्था रहेगी। After the algae have completed the flow through the bioreactor, it passes back to the feeding vessel. As it passes through the hoses, the oxygen sensors लगे हैं उसमें, oxygen sensors determine how much oxygen has been built up in the plant. हर चीज के सेंसर से देखिए ऑक्सीजन सेंसर है। It is also at this stage that the optical cell density, cells के जो optical density है कितना कल्चर उसमें है उसको भी मॉनिटर करने के लिए सेंसर्स लगे हैं। ऑक्सीजन सेंसर्स है, ऑप्टिकल सेल डेंसिटी के सेंसर्स लगे हैं जो कि ये डिटरमिन करेंगे कि कब हमें हार्वेस्ट करना है उस मास को, एल्गल मास को। और टाइप्स कितने हैं, मतलब कि फोटो बायोरिएक्टर कंप्लीट एक सिस्टम है जिसमें कि सेंसर्स हैं डिफरेंट टाइप के जो कि उसकी ग्रोथ रेट बता रहे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बता रहे हैं। उन सेंसर्स की हेल्प से हम पूरे सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फोटो बायोरिएक्टर्स कई तरह के हैं। वर्टिकल ट्यूबुलर फोटो बायोरिएक्टर, बबल कॉलम फोटो बायोरिएक्टर, एयर लिफ्ट फोटो बायोरिएक्टर, फ्लैट पैनल फोटो बायोरिएक्टर, हॉरिजॉन्टल ट्यूबुलर फोटो बायोरिएक्टर, हॉरिजॉन्टल ट्यूबुलर दो ये, स्टीर्ड टैंक फोटो बायोरिएक्टर, हाइब्रिड टाइप फोटो बायोरिएक्टर एंड प्रोमिसिंग बायो रिएक्टर। तो टाइप्स ऑफ में देखिए ट्यूबुलर फोटो बायोरिएक्टर क्या है, मेड अप ऑफ प्लास्टिक ट्यूब्स, ट्यूबुलर पीबीआरएस कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट कॉइल्ड और लूप्ड ट्रांसपेरेंट ट्यूबिंग, कैसे भी हो सकते हैं, चाहे आप ट्यूब्स को स्ट्रेट बना लीजिए, चाहे उसी को कॉइल्ड फॉर्म में कर लीजिए या उन्हीं के लूप बना लीजिए, ट्रांसपेरेंट ट्यूबिंग है प्लास्टिक की, अरेंज्ड इन वेरियस वेज फॉर मैक्सिमाइजिंग सनलाइट कैप्चर, सनलाइट के कैप्चर के लिए उसको मैक्सिमम सरफेस दे दिया चाहे कॉयल करके चाहे स्ट्रेट या फिर लूप्ड फॉर्म में। ये देखिए वर्टिकल ट्यूबुलर फोटो बायोरिएक्टर इस तरह के ट्यूबुलर है, है ना, सारी व्यवस्था है सब तरह के, इसमें ऑक्सीजन और टर्बिडिटी के लिए सेल डेंसिटी के लिए सेंसर्स लगे हुए हैं, ऑक्सीजन कार्बन एयर सप्लाई भी है और न्यूट्रिएंट्स है इस तरह। तो इस तरह से जब एल्गी को कल्चर करेंगे तो इसको फोटो बायोरिएक्टर कह रहे हैं, इनके शेप की वजह से इनको हम वर्टिकल ट्यूबुलर फोटो बायोरिएक्टर कहेंगे। ये देखिए इस तरह से ट्यूब को इस तरह से अरेंज किया गया है, ये भी बायोरिएक्टर्स हैं, ट्यूब्स है इस तरह से इनको मोड़ दिया गया और ऐसे पैरेलल ये अरेंज है, तो ये सब के सब बायोरिएक्टर की तरह से काम करेंगे। फ्लैट प्लेट रिएक्टर्स, फ्लैट प्लेट रिएक्टर्स आर बिल्ट यूजिंग नैरो पैनल्स एंड आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली टू मैक्सिमाइज सनलाइट इनपुट टू द सिस्टम। ट्यूब में तो ढेर सारी ट्यूब्स को यूज करना पड़ा, इसमें क्या है फ्लैट पैनल्स को यूज किया जाता है जैसे कि मैक्सिमम सनलाइट अब्सॉर्ब हो सके। द कंसेप्ट बिहाइंड एफपीआर इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो सच दैट द सनलाइट इज इफेक्टिवली यूज्ड, इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन बिल्ट अप। व्हेन द एल्गी इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग दे पास थ्रू द कनेक्टेड फिल्टरिंग सिस्टम, दिस फिल्टर कलेक्ट्स द एल्गी दैट आर रेडी फॉर processing while the remaining algae passes back to the feeding vessel. The flow continues. Flat plate reactor
उसी तरह से है, अभी मैंने बताया जो ये देखिए ये है फ्लैट बायोरिएक्टर, फ्लैट प्लेट बायोरिएक्टर, इस तरह से फ्लैट पैनल्स लगे हैं और मैक्सिमम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम इस तरह अगर ग्रो करे तो मिलेगा सोलर रेडिएशन से फोटोसिंथेसिस के थ्रू आपको डिजायर्ड कल्चर मिल जाएगा, उसके हार्वेस्टिंग कर लीजिए। क्रॉस सेक्शन है, लाइट इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है पैनल पर, लिक्विड का इस तरह फ्लो होगा, एरेशन है, फ्लो कंट्रोल यहां से हो रहा है, एल्गल सस्पेंशन यहां पर रहेगा। इस तरह से एल्गी क्रॉस सेक्शन हॉरिजेंटल प्लेन, वर्टिकल प्लेन का ये है और हॉरिजेंटल प्लेन का इस तरह से है। एयरलिफ्ट मेथड क्या है? दिस मेथड इज यूज्ड इन इंडोर कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एल्गी वेयर एयर इज मूव्ड विद इन अ सिस्टम इन ऑर्डर टू सर्कुलेट वाटर वेयर माइक्रो एल्गी इज ग्रोइंग। द कल्चर इज ग्रोन इन ट्रांसपेरेंट ट्यूब्स दैट लाय हॉरिजेंटली ऑन द ग्राउंड एंड आर कनेक्टेड बाय अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स। एयर इज पास्ड थ्रू द ट्यूब सच दैट एयर एस्केप्स फ्रॉम एंड दैट रेसिस्ट इनसाइड द रिएक्टर दैट कंटेन्स द कल्चर एंड क्रिएट्स एन इफेक्ट लाइक स्टीरिंग। इस तरह से हो गया ये वाला, देख लीजिए। तो बहुत डिटेल में जाने का इतना टाइम नहीं है, बहुत थोड़ा ही बहुत कुछ आएगा आपका बायो रिएक्टर में, तो जितना मैटर इसमें सफिशियंट होगा। इस तरह से फिटिंग बायो रिएक्टर का ये है ना, इसको आप थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा। एक क्रिसमस ट्री रिएक्टर है, रिएक्टर इज बिल्ट इन अ टेपर्ड ज्योमेट्री विच कैरीज अ हेलिकली अटैच्ड ट्रांसल्यूसेंट डबल होस सर्किट सिस्टम। द रिजल्ट इज अ लेआउट सिमिलर टू अ क्रिसमस ट्री। अ लोकेशन इज नॉट क्रूशियल एंड देयरफॉर नॉन एरेबल लैंड इज सूटेड एज वेल। ये देखिए क्रिसमस ट्री बायो रिएक्टर है, एकदम क्रिसमस ट्री की तरह से ऊपर टेपरिंग है और नीचे इस तरह से फैलता चला गया, तो इस तरह का बायो रिएक्टर है। टाइप्स ऑफ बायो रिएक्टर ढेर सारे बता दिए मैंने। अब मेजर ये वाली टेबल जरूर देख लीजिएगा आपके कोर्स में, कल्चर टाइप ना, इंडोर आउटडोर क्लोज्ड ओपन एजेनिक नॉन एजेनिक कंटिन्यूअस सेमी कंटिन्यूअस और बैच कल्चर है ना, तो किस किस कल्चर का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है इसको आप पढ़ लीजिएगा इस टेबल को, ठीक है। इस तरह से आज का ये एल्गी का आइसोलेशन, कल्चर मीडिया, मास कल्चर, सेमी बैच कल्चर, कंटिन्यूअस कल्चर, सेमी कंटिन्यूअस कल्चर और क्या था मास कल्चर, इस तरह से आपने देख लिया एलगी का। कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना आप लोग हैं, सुन रहे हैं मुझे? यस मैम। लगता है कि सब सो गए हैं, था ना तो फिर आराम से दोबारा देखेंगे अभी। अच्छा नींद आ गई थी, फिर से सोना है? नहीं स्पीड में था तो दोबारा फिर से देखना पड़ेगा वीडियो। हाँ बहुत लंबा हो गया, नहीं एक एक टॉपिक को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा पाए, वो लिमिटेड क्लास टाइम का रहता है ना, इस वुमेन की ये हो जाती है उतने टाइम में कवर करना है आपको। मैंने मांगा था मैडम से टाइम, लेकिन उन्होंने कहा तुम्हारे 5 तो हो गई है, इसी में उसको कंक्लूड कर लो, तो चलो देख लेंगे लेक्चर, देख लेना इसको, चाहोगे तो पीपीटी दे देंगे, नहीं तो लेक्चर सफिशियंट है वो, नहीं, तो पीपीटी भेज दीजिएगा। तो मैडम से पीपीटी जरूर भेज दीजिए, मैम पीपीटी भेज दीजिएगा। और पहले के लेक्चर की सब मिल गई है पीपीटी? नो मैम, खाली एक मिली है, हमें एक मिली है सिर्फ, एक आपने भेजी, फर्स्ट लेक्चर भेजा है आपने। मैडम को बोला था, उनको दिया था मैंने, नहीं मिला तुम लोग को? नहीं मैम, फर्स्ट लेक्चर की मिली बस। चलो ठीक है, ये मैं दे दूंगी, ठीक है व्हाट्सएप वाले पे ही भेज दिया करिए बेटा, उसमें नहीं ठीक लगता। आप लोग ऐसा करिए ना, हमको ईमेल दे दीजिए, हम ईमेल में भेज देंगे आप लोग को, ठीक है जी मैम। एक बच्चा एक बच्चा मुझको अपना ईमेल दे दे, हम उसको दे देते हैं और आप सर्कुलेट कर लीजिए, ठीक रहेगा? ठीक रहेगा मैम, मैं कॉलेज में, मैम मैं कॉलेज में।